नमस्कार, प्रकाशक के मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम बेहद खास है, बेहद, और इस शाम की खासियत यह है कि आज यहाँ पर बहुत सुप्रसिद्ध, बहुत स्वनाम धन्य कलाकार मौजूद है इसमें, और इस वजह से संजीव जी मुझे आपका माइक थोड़ा ऑफ, थोड़ी देर के लिए ऑफ करना होगा। और आज की ये शाम इसलिए भी खास है क्योंकि आज हम एक बड़े ही अच्छे प्रयोजन के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हुए हैं। आदरणीय सुधा जुगराल जी की कहानी संग्रह मुखरित मौन का लोकार्पण है, और इस लोकार्पण के मौके पर हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार मुकेश नौटियाल जी, प्रवासी लेकिन बहुत ही प्यारी और सुप्रसिद्ध साहित्यकार अर्चना पैन्यूली जी, आदरणीय बहुत अच्छे साहित्यकार संजीव जायसवाल जी, और युवा लेखिका पल्लवी पुंडीर जी, जिनके बारे में मैं अभी बहुत देर से बहुत सारी बातें सुन चुकी हूँ और बहुत उत्सुकता है उनको सुनने की। और आज जो बेहद खास मौका जिनकी वजह से है, यानी आदरणीय सुधा जोगराल जी, आप सभी का प्रकाशक के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। आप सब अपना माइक ऑन कर सकते हैं, मैंने सिर्फ संजीव जी का ऑफ किया हुआ। हाँ नहीं, मेरा माइक तो ऑन है। हाँ जी, तो आज की शाम का शुभारंभ करने से पहले हम एक बार माँ सरस्वती की वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें तो अच्छा रहेगा। और इसके लिए आदरणीय उषा डोगरा जी का एक वीडियो है मेरे पास सरस्वती वंदना के साथ, तो हम सब हाथ जोड़ते हैं स्वर उषा डोगरा जी। मैं उषा डोगरा प्रकाशक मंच पर उपस्थित सभी विजेताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुधा जी को उनकी पुस्तक मुखरित मौन के लिए मेरी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। उनकी कलम का जादू हम सब पर इतना हावी है कि उसको बयान करने के लिए शब्द नहीं है। उनकी रचनाएं सभी जानी मानी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं, और एक बार आप उस रचना को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो जब तक आप उसको समाप्त नहीं कर लेते तब तक आप उसमें ही खोए रहते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। या गुंदेन्दु तुषारा रदवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माज्युत शंकर प्रभुवृति भिदे वे सदा वंदिता। सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड़पा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे
नता से हमें तार दे माँ, मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे हम भी तो जाने विद्या कहाँ में वरदान दे माँ, हम भी तो समझे हम भी तो जाने विद्या कहाँ में वरदान दे माँ, हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे हमको उजालो का संसार दे माँ, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे हमको उजालो का संसार दे माँ, हे शार दे माँ हे शार दे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही मधुर आवाज है ऋषा जी की। बहुत सुधा जी को उषा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मधुर सरस्वती वंदना की और मीना पाणी की आराधना के साथ आज की शाम आरंभ हुई है। सुधा जी मैंने नीलिमा जी को फोन किया है अभी, वो उनको कुछ कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है तो इस वजह से वो जुड़ नहीं पा रही हैं, तो मैंने कहा है हम इंतजार कर रहे हैं उनका और वो कोशिश करें और जल्द से जल्द जुड़े, तो इस शाम को हम आगे बढ़ाते हैं, वो जब ज्वाइन करेंगी तो आ जाएंगी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय सुधा जुगरान जी को। सुधा जुगरान जी के बारे में उन्हें आमंत्रित करने से पहले मैं चंद शब्द अपनी तरफ से जो कहना चाहूंगी, एक बहुत ही मंजी हुई कलम और एक बहुत ही सुलझा हुआ दिमाग जब मिलता है तब एक सुधा जुगरान जी बनती है, ये मेरी परिभाषा है सुधा जुगरान जी के बारे में। और इसमें थोड़ी सी उसमें और भी ज्यादा कुछ कुछ चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे कि एक स्पष्टता स्पष्टता विचारों की और मधुरता वाणी की, तो साहित्यकार सुधा जुगरान जी बनती है। और आज उन्हीं सुधा जुगरान जी की किताब कथा संग्रह मुखरित मौन का लोकार्पण है और इस मौके पर सुधा जी को कुछ कहने के लिए आमंत्रित करने से पहले मैं चाहूंगी कि एक बार सुधा जी का एक रचना संसार है जिसका हम एक बार अवलोकन करें उस रचना संसार का, तो देखें
आदरणीय नीलिमा जी भी आ गई हैं, नीलिमा टिप्पू जी सुप्रसिद्ध साहित्यकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे और बहुत खुशी हो रही है देखकर कि आप भी साथ आ गई हैं और अब विधिवत कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। तो मैं आदरणीय सुधा जी से निवेदन करूंगी कि वो कुछ कहें और हम पुस्तक का लोकार्पण करें। ठीक है, पहले तो प्रकाशक मंच पर उपस्थित सभी विभूतियों का मेरा हार्दिक अभिवादन। सबसे पहले तो मैं प्रकाशक मंच की संचालिका राजुल जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनके मंच के माध्यम से मेरी पुस्तक मुखरित मौन के विमोचन के अवसर पर सभी सम्मानित विभूतियां यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। अर्चना जी, संजीव जी, मुकेश जी, नीलिमा जी व हमारी युवा प्रतिभाशाली लेखिका पल्लवी पुंडीर और श्रोताओं के रूप में जुड़े मेरे अपने सभी प्रियजनों को तहे दिल से मेरा अभिनंदन और आभार। कहानियां तो मैं वर्षों से लिख रही हूँ, लेकिन उनको संकलित करने का विचार कभी गंभीरता से नहीं आया। मुखरित मौन मेरा दूसरा कहानी संग्रह है। इस संग्रह की भूमिका सुप्रसिद्ध साहित्यकार अर्चना पैनोली जी ने लिखी है। अर्चना जी का नाम हिंदी साहित्य, विशेषकर प्रवासी साहित्य में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अर्चना जी का मैं विशेष आभार प्रकट करती हूँ कि अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर उन्होंने प्रस्तुत संग्रह की भूमिका लिखकर मेरा मान बढ़ाया है। दरअसल अर्चना जी डेनमार्क में रहती हैं, इसलिए उन्हें संग्रह की हार्ड कॉपी भेजना संभव नहीं था। मैंने उनको कहानियों के पीडीएफ भेजे और कंप्यूटर पर पढ़कर उन्होंने भूमिका लिखी। मैं समझ सकती हूँ कि इस तरह से किसी किताब के बारे में लिखना खासा श्रम साध्य काम है, लेकिन उन्होंने किया। मेरी पुस्तक की इतनी सार्थक व उच्च स्तरीय भूमिका लिखने के लिए मैं एक बार फिर अर्चना जी को धन्यवाद देती हूँ। अर्चना जी की रचनाएं साहित्यिक व गैर साहित्यिक सभी तरह की पत्रिकाओं का हिस्सा रही हैं। उनकी साहित्यिक यात्रा लंबी होने के साथ साथ बड़ी भी है। अर्चना जी का पहला उपन्यास परिवर्तन पहाड़ की पृष्ठभूमि पर लिखी एक बेहद मार्मिक कहानी है, जिसमें उन्होंने तीन पीढ़ियों के उत्तरोत्तर बदलते विचारों व उनके सामाजिक मान्यताओं को मानने या ना मानने को लेकर लिखा है। उनका दूसरा उपन्यास वेयर डू आई बिलोंग डेनमार्क की पृष्ठभूमि पर लिखा प्रवासी भारतीयों की मुश्किलों को लेकर है। क्योंकि इस उपन्यास का अनुवाद अंग्रेजी में भी हुआ है, इसलिए इसे भारतीय पाठकों के साथ साथ डेनमार्क के पाठकों ने भी पसंद किया। अर्चना जी की पुस्तकें विदेशों के विश्वविद्यालयों में शोध में शामिल हैं। पॉल की तीर्थ यात्रा और कराली का मसाज पार्लर उनके नवीनतम उपन्यास हैं। इसके अलावा हाईवे 47, कितनी माएं हैं मेरी, उनके कहानी संग्रह हैं। कहानी संग्रह दो अकेले इंसान प्रकाशाधीन हैं। सम्मानों की बात करें तो निर्मल वर्मा पुरस्कार, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, इंडियन कल्चर सोसाइटी डेनमार्क द्वारा प्राइड ऑफ इंडिया सम्मान व प्रेमचंद सम्मान आदि अनेकों श्रेष्ठ सम्मानों से सुसज्जित अर्चना जी को 2020 में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा डॉक्टर मोटुरी सत्यनारायण पुरस्कार से नवाजा गया। मैं अर्चना जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर मेरी पुस्तक के लोकार्पण में शामिल होकर मेरा मान बढ़ाया। मुकेश नौटियाल जी तो उत्तराखंड के गौरव हैं। मेरी पहली पुस्तक के गली आगे मुड़ती है कि विमोचन के बाद मेरी उनसे कभी भी बातचीत नहीं हो पाई। बस हम फेसबुक पर ही टच में रहते थे, लेकिन उनसे फोन करके इतने लंबे अंतराल के बाद मैंने उन्हें फोन किया और जैसे ही मैंने कहा कि आपसे एक विनती है, उन्होंने छूटते ही कहा कि जी आप आज्ञा कीजिए। धन्यवाद मुकेश जी, आपके शब्द हमेशा मेरी जेहन में रहेंगे। मुकेश जी ने जनजीवन और उत्कट संघर्ष से उपजे पथरीले आख्यानों को अपनी कहानियों की विषय वस्तु बनाया है। उनके कथा संग्रह चमकता रहेगा सीली घाम, हिमालय की कहानियां, दुल्ली चिड़ियारिन और धम्म चक्र के उस पार साहित्य जगत में
खासे चर्चित रहे हैं। एक तारा बोले अपना भोटू, पीपल, बतख और सफेद ऊन का गोला उनके बाल कथा संग्रह हैं। उनकी नवीनतम पुस्तक कालड़ी से केदार एक चर्चित यात्रा वृतांत है जो कि पढ़ने में बहुत ही रुचिकर लगता है। समसामयिक विषयों पर मुकेश जी के आलेख पत्र पत्रिकाओं में लगातार छपते रहे हैं। उन्होंने कार्टूनिंग और पेंटिंग में भी हाथ आजमाया है। वर्षों तक उनका कार्टून कोना प्रकाशित होता रहा है। 200 पेंटिंग्स का निर्माण उनकी कला उपलब्धि में शामिल है। विगत 21 वर्षों से आकाशवाणी से कहानियां प्रसारित हो रही हैं। अनेक कहानियों का रेडियो नाट्य रूपांतरण व मंचन हुआ है। मुकेश जी की कहानी बसंत मेरे गांव का केरल में 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में विगत कई वर्षों से पढ़ाई जा रही है। ये हम उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। नीलिमा टिक्कू जी का नाम तो मैंने वर्षों से सुना था, उनकी कहानियों के माध्यम से मेरा परिचय उनके नाम से था। फेसबुक के माध्यम से जब परिचय हुआ तो मैंने उनको साहित्यिक पत्रिका साहित्य समर्था की संपादिका के रूप में जाना, पर व्यक्तिगत स्तर पर हमारी कभी बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन संजीव जी ने जब उनका नाम सुझाया और मुझे नंबर दिया तो मुझे एक पल भी नहीं लगा कि मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई है तो मैं उनसे कैसे बात करूं। मैंने जैसे ही उनका नंबर मिलाया और उनको अपना परिचय दिया, वो एकदम सहजता से बात करने लगी और लगा ही नहीं कि हम पहली बार बात कर रहे हैं। फोन करने पर अपना प्रयोजन बताते ही उन्होंने हाँ बोलने में पल भर भी नहीं लगाया। आपके सहयोग के लिए कोटिश धन्यवाद करती हूँ नीलिमा जी। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जिनके लिए धन्यवाद शब्द छोटा पड़ जाता है, जैसे संजीव जायसवाल संजय जी। संजीव जी का धन्यवाद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और मैं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि धन्यवाद कहकर उनके सहयोग पर पूर्ण विराम नहीं लगा सकती। उन्होंने इतनी रुचि से कार्यक्रम की रूपरेखा तय की कि एक तरह से जिम्मेदारी समझकर सलाह देते रहे और मैं निश्चिंत सी हो गई। उन्होंने हमेशा एक गार्जियनशिप सी मिलती है उनसे, जिसके लिए बदले में कुछ कहना उनके सहयोग को कम आंकने जैसा है। कहानी संग्रह के नाम के चयन से लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तक हर स्तर पर उनका अमूल्य सहयोग रहा। इस कार्यक्रम में उपस्थित किसी के लिए भी, चाहे वो श्रोता के रूप में है या मंच पर है, उनका नाम या काम अपरिचित नहीं है। साहित्य की हर विधा में लिखने वाले संजीव जी का बाल साहित्य मील का पत्थर है और अपने बाल साहित्य के अनुरूप ही उनका बेहद विनम्र स्वभाव उनके संपर्क में आने वाले किसी को भी उनका मुरीद बना देता है। सभी विधाओं में लिखी उनकी 60 से अधिक पुस्तकों का लेखा जोखा करना असंभव है। राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में उनके 1050 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी अनेक बाल पुस्तकों का देश विदेश की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उनकी पुस्तक वह हंसदिया का विश्व की 115 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। सम्मानों की गिनती तो इतनी लंबी हो जाएगी कि कहना पड़ेगा स्याही खत्म हो गई पुरस्कारों की गिनती लिखते लिखते। इसीलिए मैंने एक बार संजीव जी को बिना मांगे सलाह दे डाली थी कि आप एक हॉल बनवा लें अपने पुरस्कारों को रखने के लिए। उनकी बाल साहित्य की पुस्तकें कई प्रदेशों में कोर्स में लगी हैं। इसके अलावा कुछ प्रदेशों की सरकारों ने हजारों की संख्या में उनकी पुस्तकें खरीदकर स्कूली बच्चों में बांटी है। नित्य ही सम्मानों से सम्मानित होने वाले संजीव जी के पुरस्कारों का संपूर्ण विवरण देना तो मुश्किल है, फिर भी कुछ प्रतिष्ठित सम्मानों के नाम इस प्रकार हैं। भारत सरकार द्वारा 2 बार भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा अमृतलाल बाल कथा सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सूर पुरस्कार, पंडित सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय पुरस्कार, शब्द निष्ठा सम्मान, रेल मंत्रालय व का प्रेमचंद पुरस्कार, AWIC बेस्ट पिक्चर ऑफ बुक ऑफ इंडिया अवार्ड, 2019 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2 लाख रुपए का बाल साहित्य सम्मान। पुरस्कारों की लिस्ट अभी लंबी है लेकिन समय कम है। संजीव जी के बारे में एक वाक्य बिना किसी पूर्वाग्रह के बोला जा सकता है,
फलों से लदावा वृक्ष हमेशा झुका रहता है। उनकी उनके बैक बहुत बैक पेन बहुत ज्यादा था, फिर भी उन्होंने कोशिश की इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की। इसके लिए तो इसके लिए धन्यवाद बनता है, इसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। पल्लवी, जब संजीव जी की अस्वस्थता का पता चला तो मैंने पल्लवी को संपर्क किया, क्योंकि उसके पास मेरी पुस्तक पहुंच चुकी थी। मैंने पल्लवी को वस्तु स्थिति बताई और अपनी पुस्तक पर बोलने के लिए कहा, और मुझे बेहद खुशी हुई कि पल्लवी बिना किसी नानुकर के तैयार हो गई। युवा लेखिका पल्लवी आज के दौर की चर्चित लेखिका है, जिनकी रचनाएं कोई एक बार पढ़ लेता है तो उनकी नई रचना का इंतजार अवश्य करने लगता है। पल्लवी की भाषा शैली बेजोड़ है, वह लेखन कौशल अद्भुत है और शब्दों का तो अप्रतिम भंडार है पल्लवी के पास। उनका नया उपन्यास पल्लवी नाम से अमेजॉन किंडल पर ई बुक फॉर्म में है, और जो कि हिडिंबा, महाभारत के पात्र हिडिंबा का असली दूसरा नाम पल्लवी था, उस पर आधारित है। और इस उपन्यास को जो भी पढ़ेगा, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि वो पल्लवी की लेखन शैली का मुरीद हो जाएगा। मेरा कहानी संग्रह मुखरित मौन मैंने अपनी पूजनीय सासु माँ श्रीमती दिवेश्वरी जुगराम जी को समर्पित किया है, क्योंकि मेरी कहानियां विद्यार्थी जीवन से ही छपनी शुरू हो गई थी सुधा कोठियाल के नाम से, लेकिन विवाह के पश्चात नई पड़ी जिम्मेदारियों के कारण कलम का साथ कुछ छूट सा गया, लेकिन मस्तिष्क हमेशा विचारों से भरा रहता, हृदय को कुछ न कुछ कचोटता रहता, उंगलियां कलम थामने को बेचैन रहती। इन सब एहसासों को पिता बराबर हवा देते रहते। पिता का अपनी संतान के प्रति यह एक स्वाभाविक भाव है, सामान्य प्रक्रिया है और जिम्मेदारी है, जिसे मैं भी सुनती और गृहस्थी का लिहाफ ओढ़कर मजबूरन भुला देती, लेकिन माँ जी यानी मेरी सासू माँ नहीं भूलने देती। बार बार गृहस्थी का लिहाफ हटाकर मुझे मेरे स्व से रूबरू कराती रहती। वे अक्सर कहती कि तुम मुझे अपने लेखन कला के कारण विशेष रूप से प्रिय हो और मैं कला प्रेमी हूं, लेकिन मुझे वास्तविक खुशी तब मिलेगी जब तुम्हारी कहानियां अब सुधा जुगरान के नाम से छपेंगी। उनके शब्द दिल दिमाग में उत्साह का संचार करते, मुझे एक विशिष्टता का एहसास दिलाते और एक उम्मीद हमेशा बनाए रखते कि मुझे भविष्य में दोबारा लिखना शुरू करना है। वे तब तक चुप नहीं बैठी जब तक मैंने दोबारा कलम हाथों में नहीं थाम ली। माँ जी मेरी कहानियां बहुत ध्यान से पढ़ती, बाहर आने जाने वाले को बताती पढ़वाती और बहुत मना करने के बावजूद मुझे 100 रुपए देती। वे कहती यह मेरी खुशी है। सास को बहू की सफलता अपनी खुशी लग रही थी, ऐसे उदाहरण तो बिरले ही मिलेंगे। वे 100 रुपए मेरे लिए कुबेर के खजाने जैसे थे। पूरे संसार की दौलत भी उन 100 रुपयों की बराबरी नहीं कर सकती थी, उसमें उनका अथाह आशीर्वाद प्यार स्नेह उद्गार समाहित था। एक मीठा ममत्व भरा धैर्यवान शांत सौम्य व्यक्तित्व जिनसे हमेशा प्यार ही मिला। आज सशरीर भले ही हमारे बीच उपस्थित नहीं है, पर उनकी आत्मिक उपस्थिति मैं हमेशा अनुभव करती हूँ। अपना कहानी संग्रह मुखरित मौन मैं अपनी सासू माँ को समर्पित करते हुए अत्यंत खुशी व संतुष्टि का अनुभव कर रही हूँ। उनसे मिले अथाह स्नेह सागर के प्रतिदान स्वरूप मैं बूंद भर सम्मान उनको समर्पित कर पा रही हूँ, इस योग्य विधि ने मुझे बनाया है। कहानी संग्रह मुखरित मौन 12 कहानियों का संग्रह है। पीढ़ियों से स्त्री के होठों का मौन उसके पैरों की बेड़ी बना रहा, लेकिन अब नारी के होठों ने चुप्पी तोड़ी है और उसके चारों तरफ कई रूपों में कई परतों में जो लक्ष्मण रेखाएं खिंची हुई थी वह धूमिल पड़ गई। इस बार उसने किसी रावण के बहकावे में आकर लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी है, बल्कि स्वत्व और स्वेच्छा को पहचान कर स्वेच्छा से लांगी है और निकल पड़ी है अपनी पहचान बनाने। अपना सदियों का मौन तोड़कर मुखरित हो चुकी है आज की नारी, सिर्फ होठों से ही नहीं बल्कि विचारों से, भावनाओं से, दिमाग से, कार्य से और कर्म से।
बस अब तो उसे जरूरत है अपनी मुखरता यानी अपनी स्वतंत्रता और अपनी लक्ष्मण रेखा स्वयं तय करने की, ताकि उसका जीवन सुंदर व संतुलित रहे और समाज व पुरुष किसी दूसरे रूप में उसका शोषण न कर सके। मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और एक बार फिर से मंच पर उपस्थित महानुभावों और श्रोताओं के रूप में उपस्थित अपने प्रियजनों को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। आप म्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी आपके विषय में। कुछ कहना तो मतलब यही होगा कि जैसे सूरज को दिया दिखाना, कुछ और कहना। आपकी लेखनी स्वयं बताती है आपका परिचय। और अब मैं सोच रही हूँ कि हम किताब का लोकार्पण कर लें और फिर हम यहाँ पर सभी उपस्थित प्रतिष्ठित रचनाकार हैं उन सभी को अपनी अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित करते जाए। पहले हम किताब का लोकार्पण करते हैं। मेरे पास मुखरित मौन की ये प्रति है। नीलिमा जी के पास भी होगी? नीलिमा जी आपके पास भी होगी? आप सभी लोग एक मिनट अपनी किताब ऐसे रख लें, मैं जरा एक आध फोटो ले लेती हूँ। एक फोटो ले लीजिए। नीलिमा जी आप भी अपनी किताब उठा लीजिए। नीलिमा जी का शायद सुनाई नहीं दे, स्टिल हो गया है तो म्यूट है। हाँ ना ले नीलिमा ले लिया या फिर करें? फिर रखें। एक बार फिर से कर लीजिए, एक बार फिर से कर लीजिए, एक बार फिर से कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक मैं पटल पर आमंत्रित कर रही हूँ पल्लवी जी को, पल्लवी कुटीर जी को, कि वो उनके बारे में बहुत कुछ सुना, उनकी लेखनी के बारे में बहुत कुछ सुना, उन्हें सुनने की बहुत उत्सुकता। सभी स्तुति जनों का नमस्कार। इस कथा संग्रह के बारे में बोलना ही एक सौभाग्य है मेरे लिए, क्योंकि जिन कहानियों में स्वानुभूति होती है उन कहानियों में आप लेखक की आत्मा को देख पाते हैं। ऐसी कहानियां सजीव होकर पाठक के मन में उतर जाती हैं, और यह कथा संग्रह कुछ ऐसा ही है। सुधा जुगरन जी भी एक ऐसे ही रचनाकार हैं जो अपने समीप घटी घटनाओं तथा अपनी कल्पना की संधि को एक साथ जोड़कर कथा संसार का सृजन कर लेती हैं। इनकी कहानियों के जो चरित्र होते हैं वो इतने सजीव, इतने सामयिक तथा व्यवहारिक होते हैं कि पाठक इन चरित्रों को कभी स्वयं में तो कभी अपने आसपास अनुभव करता है। इनके सुंदर, सरल, सहज और प्रभावपूर्ण भाषा शैली, कथा और शिल्प दोनों ही दृष्टि में अभूतपूर्व है। सुधा जी की कलम 25 वर्षों से निरंतर कहानियों, सामाजिक आलेखों, निबंधों जैसी साहित्य की विविध विद्याओं पर चलती रही है। गली आगे मूर्ति है के बाद मुखरित मौन इनका दूसरा कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह में 12 कहानी है जो अपने आप में एक जीवन चरित्र है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि यह कथा संग्रह एक छोटी सी पृथ्वी ही है।
यूं देखा जाए तो यह संग्रह भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित है, किंतु मूल रूप में विश्व के समस्त कोनों में ऐसे चरित्र और ऐसी कहानियां आपको मिल जाएंगी, क्योंकि संस्कार संस्कार अलग हो सकते हैं, पर मनुष्य तो मूल रूप से एक ही है और उसकी कहानी भी एक। किंतु कहानी होती क्या है, घटना अथवा जीवन? यदि अज्ञेय के शब्दों में कहूं तो कहानी एक क्षण का चित्र प्रस्तुत करती है। क्षण छोटा सा कालखंड, पर कहानी तो कभी कभी जीवन दर्शन भी कराती है। जी नहीं, क्षण अर्थात छोटा कालखंड, लेकिन चित्र अर्थात वर्णन। अब इस छोटे से कालखंड का वर्णन कर लेखक पाठक को कितना कहानी से जोड़ पाता है, यह उसका लेखकीय कौशल है। और एक पाठक की दृष्टि से कहूं तो मुखरित मौन कि हर कहानी का वर्णन पाठक को स्वयं से इतना जोड़ लेता है कि पाठक कहानी को पढ़ता नहीं है, उसका हिस्सा बन जाता है। कहानी मेरे अपने इस संग्रह की पहली कहानी है। इस संग्रह में जब माँ अपने बेटे के माथे को चूमती है, तब आप उस बेटे के मन की विवशता में स्वयं के होने का अनुभव करेंगे। हर वो माँ जिसका बेटा उससे दूर रहता है, अब चाहे वो कारण नौकरी हो, पढ़ाई हो या कुछ और हो, जब संग्रह की माँ अपनी ममता इस कहानी के बेटे पर लुटा रही होगी, तो हर वो माँ जो अपने बेटे से दूर है, अपने बेटे को बाहों में लेने के लिए मचल उठेगी। विवेक में उसे अपना बेटा ही दिखेगा। हर माँ को अपने बेटे की प्रतिलिपि उस बच्चे में नजर आएगी, क्योंकि माँ तो माँ है, वो पढ़ लेती है कि जो उसका बच्चा है वो कितना विवश है, नौकरी के चयन के कारण, परिस्थितियों के कारण और समय के कारण। माँ की सेवा ना कर पाना और करने की चाह ही ना रखना, ये दो अलग बातें हैं। और माँ का मन बेटे के मन को पढ़ने में कभी भी भूल नहीं करता। उसी प्रकार जब दूसरी कहानी पे मैं गई, जिसका नाम है इस मंजिल के दो राही, उसकी उसकी जो चरित्र है इंदिरा, उसके संघर्ष में आपको हर स्त्री, या कहूँ हर स्त्री या पुरुष, उन सभी का संघर्ष दिखेगा। इसका कारण एक ही है कि जनसंधारण ने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी प्रकार के भेदभाव को अवश्य झेला है, जैसे रंग भेद, नस्ल भेद, भाषा भेद, जाति भेद, धर्म भेद, वर्ग भेद अथवा लिंग भेद। ना मालूम और ना जाने कितने वर्गीकरण है मनुष्यों के, जिसके आधार पर उनसे सफल होने का अवसर छीन लिया जाता है। अतः इंदिरा की हर पीड़ा हर पाठक को अपनी सी लगेगी, क्योंकि कोई ना कोई भेद तो हर किसी ने अपने जीवन में झेला ही है और झेल रहा है। इस कथा संग्रह की विशेषता भी यही है। मैं एक वाक्य में संग्रह का परिचय देना चाहूं तो मैं कहूंगी, यह संग्रह मेरे लिए एक यात्रा है। यात्रा यथार्थ को स्वीकार करने की, जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की यात्रा। इस संग्रह की प्रथम कहानी से ही पाठक लेखिका के साथ एक भ्रमण पर निकल पड़ता है। अच्छा, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमारे सामने उन सफल महिलाओं की तस्वीरें उभरने लगती हैं, जो किसी न किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है या फिर कोई सेलिब्रिटी है। किंतु इस संकलन की हर नायिका आम है, पर वो आम होते हुए भी विशेष है। जैसे कहानी एक पाती के पिता एक माफ करिएगा कहानी एक पाती पिता के नाम की तृष्णा को ही ले ले। तृष्णा अपने माता पिता से बेहद प्यार करती है, विवाह के बाद भी अपने सभी कर्तव्यों का पालन करती है, लेकिन जब वो देखती है कि लगातार लांछित कर किए जा रहे पिता अपने उसी पुत्र को अपनी सारी वसीयत का मालिक बनाने जा रहे हैं ताकि उसकी बहू के साथ उनके संबंध सुधर जाएं, तो उसे तकलीफ होती है, उसे पीड़ा होती है। यहाँ वो वसीयत पिता द्वारा किए गए भेद के लिए रोती है और उसके खिलाफ आवाज उठाती है। दूसरी कहानी को अगर मैं लूं, जैसे एक सहारे की तलाश, मिकी वैभवी, पति के परिवार को लांछित अथवा प्रताड़ित कर अपना विरोध व्यक्त नहीं करती। उसका सिर्फ इतना कहना है कि जब वह बहू से बहू बनकर अपने ससुराल वालों को प्रेम और सम्मान दे सकती है, तो उसका पति दामाद बनकर उसके पिता और माता को वही सम्मान क्यों नहीं दे सकता? जब पति उससे इस सम्मान की बात की करता है, तो अपने पति पर प्रश्न नहीं करती, वो विद्रोह करती है। और उसका विद्रोह कोई ससुराल वालों को लांछित करने का नहीं होता, वो उन्हें पूर्ण सम्मान देती है, लेकिन उसका विद्रोह मौखिक होता है
और वह मौखिक विद्रोह उसके पति में बदलाव लेकर आता है। समाज आखिर चाहता क्या है? यही यह पितृसत्तात्मक समाज सदा से ही पुत्री से बहू बन जाने की उम्मीद तो रखता है, लेकिन जब कोई बेटा दामाद बनता है तो उससे किसी भी कर्तव्य की उम्मीद नहीं रखी जाती है। वैभवी इसी विद्रोह इसी सब सोच के खिलाफ विद्रोह करती है। एक कहानी पायोली के फूल भी है, उसकी तृप्ति क्या है? मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से पायोली मेरे बहुत करीब है, क्योंकि उसकी मनोव्यथा अन्य चरित्रों से थोड़ी भिन्न है। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आप सोच सकते हैं कि क्या है ये इच्छाएं, क्या प्रेम दो प्रकार के होते हैं, क्या मन की इच्छा अलग और देह की इच्छा अलग होती है? क्योंकि ये समाज तो स्त्री से यही अपेक्षा रखता है ना कि वो अपनी शारीरिक इच्छाओं को त्याग कर त्याग की प्रतिमूर्ति बन जाए, सती बन जाए। लेकिन क्या स्त्री देह से इतर कुछ भी नहीं है? क्या वो सती हो सकती है अथवा उल्टा? इस कहानी को पढ़ने के बाद आप तृप्ति के बारे में क्या राय रखते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नजर में तृप्ति सम्मानित है। हर कहानी हर चरित्र इतना सशक्त है कि आप सोचेंगे कि सब चरित्र परिस्थितियों की लंका को जलाकर इस समाज को दीप्त कर रहे हैं। हर कहानी की समाप्ति पर पाठक के रूप में मैं ठहरी, चिंतन किया और फिर मेरी अगली यात्रा आरंभ हुई। यहां मैं संकलन की शीर्षक कहानी मुखरित मौन का विशेष उल्लेख करना चाहूंगी। यह कहानी अतीत वर्तमान और भविष्य के झंझावत की है। नई सभ्यता में पले हुए युवक युवतियों से वृद्धजन पुरानी पीढ़ी के लोग अपने ही जमाने से परंपराओं का अनुगमन करना चाहते हैं। ऐसा ना करने पर पुरानी पीढ़ी को लगता है कि नई पीढ़ी उनसे दूर जा रही है। वस्तुतः पुरानी और नई पीढ़ी का जो ये संघर्ष है वो नूतन और पुरातन का संघर्ष है, जो थोड़ी बहुत मात्रा में सदैव रहा है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी होगा। किंतु वर्तमान युग में अचानक भारी परिवर्तन आ जाने के कारण नई पीढ़ी थोड़ी अधिक व्यस्त हो गई है और अपनी पुरानी पीढ़ियों को उतना समय नहीं दे पा रही, जिस बात से पुरानी पीढ़ी थोड़ी चिंतित है और उन्हें लगता है कि शायद उनके बच्चे उनसे दूर हो रहे हैं। लेकिन कहानी में इतनी सरलता और इतने सहज भाव से इस समस्या को सुलझता हुआ दिखाया है कि कुछ समय के लिए पाठकों को भी सोच में पड़ जाना पड़ेगा कि क्या समस्या का समाधान इतना सा ही था, या वास्तव में समस्या मात्र परस्पर समन्वय और रिश्तों में स्पेस की ही थी। पाठक की कथा यात्रा का अंत संकलन की अंतिम कहानी ये जिंदगी का अवसान नहीं पर होता है। इस संकलन का अंत इतनी सुंदर कहानी से करने के लिए सुधा जी का आभार। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने सही ही कहा है कि जीवन का अवसान कभी नहीं होता, कभी हो ही नहीं सकता। जीवन तो वह सरिता है जो अनवरत बहती रहती है। अतः सूर्य बनो जो रात्रि की काली माँ को चीर कर पुनः उगता है। हर सुबह एक नया जीवन ही तो है और हर रात को ढल जाना ही तो होता है। संग्रह की कहानियों में मात्र प्रबल स्त्री चरित्र ही नहीं है, सामर्थ्यवान प्रभावशाली पुरुष चरित्र भी है। जी हाँ, इस संग्रह की सबसे खूबसूरत बात यही है कि स्त्री चरित्र तो प्रभावशाली है ही, पुरुष चरित्र भी कम प्रभावशाली नहीं है। प्रत्येक कथा में लेखिका ने समाज में व्याप्त एक अंधेरे को उठाया है और उसका समाधान भी प्रस्तुत किया है। कहीं कहीं ये समाधान एक प्रश्न के रूप में पाठक के समक्ष रखा गया है। अपनी गुणवत्ता रोचकता तथा वाक्य निर्माण के कारण उनका यह संकलन केवल पठनीय ही नहीं संग्रहणीय भी है। निश्चय ही सुधा जी ने अपनी कहानियों के द्वारा भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी है। इस संग्रह के लिए सुधा जुगरान जी को मेरी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर पल्लवी, बहुत अच्छा बोला तुम, बहुत ही बहुत सुंदर। अब मैं निवेदन करूंगी अर्चना जी से कि वो पुस्तक के बारे में कुछ घोषणा करें। आदरणीय अर्चना जी। नमस्कार संजीव जी, नीलिमा जी, मुकेश जी, सुधा जी, राजू जी और प्रिय पल्लवी।
आप सभी के साथ इस मंच पर सम्मिलित होना मेरे लिए हर्ष की बात है। सभी श्रोताओं को भी नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। अभी अभी पल्लवी ने सुधा जुबरान जी के कहानी संग्रह पर काफी कुछ कहा है, अब मैं भी कहूंगी, कुछ रिपीटेशन भी हो सकता है। सुधा जुबरान के पुस्तक मुखर मौन पढ़ना और भूमिका लिखनी मेरा सौभाग्य रहा है। देख, मेरी समझ से किसी भी कहानी में दो गुण होने चाहिए, एंटरटेनिंग और इमोशनल, आपका मनोरंजन कर सके और आपको भावुक बना सके। यह दोनों गुण सुधा जुबरान की कहानियों में मौजूद रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुधा जुबरान काफी एक लंबे अरसे से लिख रही है। मैंने उनकी कहानियां सुधा कोठियाल के नाम से भी पढ़ी है और अब मैं उनकी कहानियां सुधा जुबरान के नाम से पढ़ रही हूं। मुझे उनकी कहानियां यूं भी अच्छी लगती है कि मैं डेनमार्क में रहती हूं, मुझे उनसे अपनी अपनी उत्तराखंड माटी की सौंधी सुगंध महसूस होती है। देवभूमि उत्तराखंड का आंचलिक सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है, एक नैकट्य का एहसास होता है और मन को भिगो जाती है उनकी कहानियां। रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक सरोकारों से संबंधित उनकी सरल सहज कहानियां दिल में छाप छोड़ती है। पारिवारिक और सामाजिक मसलों को लेकर पढ़ने वाली कहानियों में जग जीवन के विविध रंग बिखरे रहते हैं। जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, सामाजिक परंपराओं, विडंबनाओं का ताना बाना, बदलते समाज के बदलते मूल्यों की कसमकस उनकी कहानियों में उजागर है, उनकी कहानियां उजागर करती है। विशेषकर सुधा जुबरान दो पीढ़ियों के बीच के मतभेदों और अंतर्द्वंद को बहुत बखूबी से दर्शाती है। मुखरित मौन सुधा जुबरान का दूसरा कहानी संकलन है, जो कि उनके पहले कहानी संकलन गली आगे मुड़ती है, इससे कहीं अधिक सशक्त है। मुखरित मौन संकलन सदियों से दबी सहमी घुटी स्त्री के मौन को मुखरित करने का प्रयास है। कहानियों के केंद्र में स्त्री है, स्त्री के कई विमर्शों को छूती हुई कहानियां मुख्यतः स्त्री की पारिवारिक सामाजिक स्थिति की पड़ताल ही नहीं करती, बल्कि कुछ एक सामाजिक कानूनी मुद्दों पर भी अपना दृष्टिकोण रखने की पहल करती है। समय के साथ परिस्थितियों और पारिवारिक मूल्यों में जो परिवर्तन आया है, उसमें आम स्त्री स्वयं को कहां पर देखती है, उसके आकांक्षाओं, चुनौतियों और उससे परिवार के अपेक्षाओं के बीच उत्पन्न हुई कसमकस को दर्शाती कहानियां पाठक की सोच को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। बदलते परिदृश्य को स्वीकार करने का संदेश देती है। हम सभी जानते हैं कि समाज के अनगिनत समूहों में परिवार एक ऐसी संस्था है जो प्राथमिक, निश्चित एवं दीर्घकालिक होती है। लेखिका ने परिवार को धुरी बनाकर उसके इर्द गिर्द कहानियां लिखी है। भारतीय परिवारों में व्याप्त कई उन ज्वलंत मुद्दों को उठाया गया है जो स्त्रियों को प्रभावित करते हैं। कारण अकारण स्त्री को लेकर हमारा समाज तंग सोच कर रहा है। इसका बहुआयामी प्रभाव उसकी पारिवारिक स्थिति पर पड़ा। अस्तित्व से लेकर वर्चस्व तक की इस लड़ाई में स्त्रियों का अपना अपना कालखंड है, अपने अपने मोर्चे हैं और अपनी अपनी उपलब्धियां हैं। लेकिन एक बात जो निसंकोच कही जा सकती है, वह है कि स्त्री की स्थिति को लेकर हम अभी आश्वस्त नहीं हुए हैं। उसके पारिवारिक, सामाजिक और कानूनी अधिकारों के मुद्दे दूसरों की सदस्यता के मोहताज रहते हैं। उनको अभी अच्छे से परिभाषित किया जाना जरूरी है। इसी धुंधलेपन को लेखिका ने सरोकारों का रूप दिया और अपनी कहानियों का विषय बनाया। कहानी में समस्या है तो हल भी है, नहीं तो आगे बढ़ जाने का दृष्टिकोण है। यही बात इस संकलन को विशेष बनाती है। जरूरी नहीं कि हर समस्या का कोई त्वरित हल ढूंढ ले। हो सकता है कि फिलहाल कुछ सूझ ही नहीं रहा, लेकिन सोच और नजरिए से हम बहुत कुछ थाम सकते हैं। यही उनकी इन कहानियों का मर्मत्व है। मुखरित मौन के अवनी, एक मंजिल दो राह की इंदिरा, बुझती आंखों का अधूरा सपना की ईरा, एक पार्टी पिता के नाम की तृष्णा, फ्योली की फूल की
मासूम बालाएं, स्टेपनी की सुबह, पिघलते पल की मिताली, सहारे की तलाश की वैभवी, ये जिंदगी का अवसार नहीं की राशि। ये महिलाएं भले ही भिन्न भिन्न परिवेश की है, उनके अपने अपने संघर्ष, कामयाबियां, मजबूरियां, कमजोरियां, सोच, मानसिकता व मान्यता है, मगर उनकी नारीवादी इच्छाएं, एक अर्थपूर्ण संतुलित जीवन जीने की लालसा किंचित एक सी है। सभी में एक हौसला है और एक साहस है जो कि मनुष्य को जीने की जिजीविषा देता है और एक गहरी सीख देता है। जैसे कि सुधा जी ने सोम और अभी पल्लवी ने भी कहा कि इस संकलन में 12 कहानियां हैं। कुछ कहानियां पल्लवी जी भी हाईलाइट कर चुकी है और मैं भी कुछ कहानियां हाईलाइट करूंगी। एक मंजिल राही दो मुझे संकलन की सबसे सशक्त कहानी लगी। इसमें आरक्षण का मुद्दा और जातिगत मसला बड़ी शिद्दत से उभरा है। लेखिका ने यह बात बड़ी सटीक कही कि आरक्षण विद्यार्थियों के लिए सीढ़ी नहीं बैसाखी है और युवाओं के मन में जातिगत भावना को बढ़ावा देती है। वही यह मुद्दा पिछड़ी जाति के मेधावी छात्रों के लिए उपहास और कटास का कारण भी बन गया है। कई वाक्य सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। मेहनती जैसे मेहनती और मेधावी इंदिरा वो पिछड़ी जाति की है। उससे उसका स्नेही सहपाठी विवेक कहता है, अरे तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, आरक्षण के बल पर तुम अपना मुकाम हासिल कर लोगी। तो आरक्षण भारत समाज में एक संवेदनशील सामाजिक कानूनी मुद्दा है। इसके कई आयाम है। लेखिका ने बड़ी कुशलता से इसके दोनों पक्ष प्रस्तुत किए हैं कि जो जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो मेधावी है, होशियार है, उनका उन पर क्या गुजरती है, जैसे जब ये विवेक जैसे लोग उन पर ऐसे फिक्रे कसते हैं, तो यहाँ पर मैं इंदिरा के मन पर क्या गुजरी होगी उसको मैं बखूबी उसको मैं समझ पाई। तो सुधा जुगराज जी ने इसके दोनों पक्ष प्रस्तुत किए हैं और इसके कई आयाम है। जात पात के दायरे से ऊपर उठे आरती और सुरेंद्र के इंदिरा के परिवार के प्रति उदारता और उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण मन में एक मीठी आस दिलाते हैं, मगर इतने उदार वे नहीं बन पाते कि जात पात की परवाह ना कर अपने बेटे की शादी इंदिरा से कर सके। तो मैं कहूंगी यह बात सामाजिक रूढ़ियों, जाति प्रथा को लेकर समाज की हर धर्मिता की ओर संकेत करती है और आरक्षण जैसे सामाजिक मुद्दे पर एक स्वच्छ वार्ता के लिए भी आमंत्रित करती है। बुझती आंखों का अधूरा सपना मुझे बहुत ही मार्मिक टचिंग कहानी लगी और गौरतलब है इस कहानी को पुष्पगंधा पत्रिका ने पुरस्कार भी दिया है, तो उसके लिए सुधा जुगरान को विशेष बधाई। बेटी का विवाह करके अपनी जिम्मेदारी से यथाशीघ्र निवृत्त होने वाले माँ बाप की बेटी से शैक्षिक उपाधियां हासिल करने की अपेक्षा बीते और नए दौर के संधि स्थल पर झूल रही पीढ़ी का चित्र प्रस्तुत करती है। एक पार्टी पिता के नाम में पुत्री का पिता की संपत्ति पर समान अधिकार के सुख भुगाते सवाल को उठाया गया है। कहानी की नायिका पिता की वसीयत में अपना नाम ना देखकर सवाल उठाती है, असहमति व्यक्त करती है, प्रतिवाद करती है। ये कहानी, मैं कहूंगी ये कहानी उन भारतीय परिवारों को ललकारती है जो अपने घरों की बेटियों बहनों को अकारण ही पिता की संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। संकलन की शीर्षक कहानी मुखरित मौन, नए अंदाज की संवेदनशील और शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी का सार यह है कि समय बदल रहा है, रिश्तों के मापदंड बदल रहे हैं। आशा है कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के संघर्ष और विचार समझे। इस कहानी को पढ़कर सुधा जी मैंने भी अपनी बेटी को गाहे बगाहे फोन करना बंद कर दिया। एकदम सारी कहानी माय डॉटर ब्रीथिंग स्पेस। क्या कूल है ये। इस कहानी को मुखरित मौन की का विस्तार कहानी कहा जा सकता है, बस थोड़ा सा हल्के अंदाज में। माता पिता अपने बेटे बहू के पास भारत से दुबई घूमने जाते हैं। दुबई की चकाचौंध भव्यता और इंफ्रास्ट्रक्चर से नायिका प्रभावित होती है, साथ ही बेटे बहू की बिंदास जिंदगी से उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलता है।
उसे लगता है कि उनकी पीढ़ी ने नाहक ही कई चिंताएं पाली हुई है। सहारे की तलाश का पहला वाक्य आज फिर दिल दिमाग से विद्रोह कर बैठा। ये पहला वाक्य ही सुधा जी बहुत कुछ कह जाता है और मन में उत्सुकता जगा देती है। इस कहानी के भी कई वाक्य दिल को झकझोरते हैं। वैभवी के पिता की बीमारी पर उसका पति उसका साथ नहीं देता, किंतु अपने पिता के अस्वस्थता पर उससे उम्मीद करता है कि वह उसके पिता की सेवा करे। वैभवी भी दुविधा की स्थिति में है। एक तरफ तो उसके मन में आक्रोश फूट रहा है, वो जैसे को तैसा उक्ति को चरितार्थ करना चाहती है, किंतु उसके मन में जगते मानवीय भाव से वह इस नकारात्मक से बच जाती है, क्योंकि वैभवी एक अच्छी इंसान है और अच्छे इंसानों को अक्सर झुंझाना पड़ता है। लेखिका ने इस तथ्य को भी बेबाकी से रखा है कि अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी समान वितरण होना न्याय संगत होगा। अब मैं आती हूँ फ्योली के फूल। कल ही वो था फ्योली के फूल, वो बसंत ऋतु का, तो मुझे एकदम से वो कल वो था मेरे पास जब तो इस कहानी को गाना गया फ्योली के फूल। तो ये कहानी मुझे विशेष रूप से पसंद आई क्योंकि इसमें रोजगार की समस्या से जूझती युवा शक्ति के पहाड़ों से पलायन के ज्वलंत मुद्दे को उठाया गया है। साथ ही पति के बाहर चले जाने पर पीछे छुटी वीरहीनों की कोमल करुण दशा का भी हृदय स्पर्शी चित्रण है। कहानी में नायिका जया जो पेशे से एक अध्यापिका है, उसका तबादला शहर से पहाड़ी गांव में होता है। वह काफी सालों बाद पहाड़ रहने जाती है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, कोई भी स्थल इससे अछूता नहीं रह सकता। उसे पहाड़ बहुत लगते हैं। ग्रामीण लोगों में कसपाईपन आ गया है, सोच में भी बदलाव आ गया है, कुछ रुचिकर तो कुछ अरुचिकर। पहाड़ी गांव के युवा रोजी रोटी के लिए गांव से पलायन कर दूर शहरों में कमाने निकलते हैं। शहरों में वो कुक है, ड्राइवर है या फौज में भर्ती है। और जो युवतियां जो यौवन के उफान पर है, गांव में बिन पति के एकाकी जीवन यापन करने को मजबूर है। यह बात मन में गहरी टीस उत्पन्न करती है। जया उन सुंदर बेबस लड़कियों की तुलना पहाड़ियों में बसंत ऋतु में खिलने वाले पीले रंग के फ्योली के फूलों से करती है। तो ये जो रूपक है, जो यह एनालॉगी है, ये सुधा जी आपने बहुत अच्छा इसका जो रूपक जो प्रस्तुत किया है, ये मुझे बहुत ही प्रभावित किया। इस कहानी के जरिए पाठक उत्तराखंड की संस्कृति की विशिष्टता, वहां की पहाड़ियों और घाटियों में प्रकृति और जीवन की छटा और उसके श्वेत और स्याह पक्ष से तो रूबरू होते ही है, साथ ही लेखिका की सामाजिक भौगोलिक और जीवन दृष्टि से भी परिचित होते हैं। संकलन के अन्य कहानियां भी इसी प्रकार भारतीय समाज में स्त्री से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर बुनी हुई है। हर कहानी कुछ कहती है। लेखिका ने बड़ी स्पष्टता से उन विषयों को अपनी लेखनी की प्राण शक्ति दी है जिन पर विचार की दृष्टि से हमारा परिवार और समाज बिखरा हुआ है, जिन पर किसी प्रकार की चर्चा से पहले ही कितने अगर मगर लग जाते हैं कि कभी कोई सार्थक बहस हो ही नहीं पाती। निर्णय के बाद तो हम क्या करें। पुरानी और नई पीढ़ी का अंतर हर संघर्ष हर समाज में थोड़ी बहुत मात्रा में रहता है। अब मैं यूरोप में रहती हूँ तो यहाँ भी है पुरानी और नई पीढ़ी के बीच में जो अंतर है, हर समाज में है, मगर भारत अभी ट्रांजिशन फेज में है। संक्रमण काल आधुनिक प्रगतिशील विचारों को अपनाते हुए भी कई बार अपनी दक्षिणानुषी पारंपरिक सोच और मान्यताओं से भी चिपके रहते हैं, जिससे संभ्रम की स्थिति हो जाती है। एक बात और मैंने जो इस संकलन में महसूस की कि ये कहानियों में भले ही अलग अलग परिवेश में नारी की स्थिति और संघर्षों की कथा व्यथा है, लेकिन जो बात इस विमर्श को विशेष बनाती है वह यह है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेखिका सुधा जुगराल ने स्त्री योचित गुणों और मानवीय मूल्यों पर आंच नहीं आने दी। उन्हें हर कीमत पर सर्वोपरि रखा। यह आग्रह आज के दिशा भ्रम की स्थिति में बहुत मायने रखता है। मगर सुधा जी मेरे जहन में कुछ प्रश्न उठते हैं। मैं सुधा जुगराल से पूछना चाहती हूं कि क्या वास्तव में व्यवहारिक जीवन में समाधान इतने सरल होते हैं?
कहीं कहीं समाधान प्रस्तुत करने के फेर में उनकी कहानियां उपदेशात्मक तो नहीं हो गई है? खैर, कुल मिलाकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मुखरित मौन में जीवन को अर्थपूर्ण तरीके से जीने का दर्शन है। वास्तव में यह अहम है कि यदि हम परिस्थिति नहीं बदल सकते तो अपनी जीवन दृष्टि बदले। किसी भी घटना से बड़ा होता है जीवन। जीवन की कोई भी अप्रिय घटना जीवन का अवसान नहीं होती। लेखिका की सुंदर, सरल, सहज और प्रभावपूर्ण भाषा शैली से लिखी दिल कहानी दिल को छूती चली जाती है और अपना एक अपेक्षित प्रभाव छोड़ती है, सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं तो यह कहूंगी कि मुखरित मौन की हर कहानी एक नई चर्चा का विषय है। कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टि से लेखिका में लेखन की असीम संभावना है। भाषा कौशल है और जीवन दृष्टि है। आशा है निकट भविष्य में हमें सुधा जुबरान की और रचनाएं, उनका उपन्यास पढ़ने को मिलेगा। उद्देश्य परक इस संकलन के लिए सुधा जुबरान को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सभी श्रोताओं को धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। थैंक यू अर्चना। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, बहुत विस्तार से आपने शिखर जी की कहानी की विवेचना की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक सरप्राइज है सुधा जी के लिए, तो वो सरप्राइज नहीं रह गया है लेकिन सरप्राइज है, तो हम सीधे सीधे उस सरप्राइज को ही प्ले कर देते हैं। तुम्हें किस नाम में संबोधित करूं, सखी या लेखिका सुधा जुबरान? क्योंकि आज तुम्हारा दूसरा कहानी संग्रह मुखरित मौन का प्रकाशक मन से विमोचन का गौरवशाली पल है, तो आज मैं तुम्हें लेखिका सुधा जुगरान के नाम से संबोधित करूंगी। प्रकाशक मन की संचालिका राजुल जी, विमोचन में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि एवं प्रबुद्ध जनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। सुधा, भले ही हम साइंस के स्टूडेंट्स थे लेकिन हम साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, सरिता और वरिष्ठ साहित्यकार शिवानी के उपन्यासों के पात्रों में खोए हुए अपनी ही दुनिया में लीन रहते थे। लेखक लेखिकाएं उस समय हमें किसी अन्य ही लोक के प्राणी नजर आते थे। उस काल्पनिक दुनिया में विचरित करते हुए कभी यह न सोचा था कि एक दिन कलम हमारे हाथों में आ जाएगी। तुम्हारी लेखन यात्रा तो 13 वर्ष की आयु में आरंभ हो गई थी। आज भी कॉलेज की पत्रिका गुंजन में प्रकाशित तुम्हारी कहानी कोई ऐसा घर और 21 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका सरिता में प्रकाशित तुम्हारी कहानी बस अब और नहीं मेरी स्मृति पटल पर ज्यों की त्यों अंकित है। अब मैं लेखिका सुधा जुबरान के कहानी संग्रह मुखरित मौन पर कुछ कहना चाहूंगी। लेखिका ने स्त्री विमर्श पर आधारित इस संकलन में सदियों से परिवार और समाज द्वारा दबी सहमी स्त्री को अपने अधिकारों के प्रति मौन से मुखरित होते दर्शाया है, जिनमें उनके अपने संघर्ष हैं, उनके अपने अंदर द्वंद है, अपने अधिकारों को लेकर कष्टमकश के साथ जीवन के प्रति एक नई चेतना भी है। बहुचर्चित प्रवासी साहित्यकार अर्चना पेन्यूली ने इस कहानी संग्रह की भूमिका में लिखा भी है, अस्तित्व से लेकर वर्चस्व तक की लड़ाई में स्त्रियों का अपना अपना कालखंड है, अपने अपने मोर्चे हैं और अपनी अपनी उपलब्धियां, लेकिन एक बात जो निसंकोच कही जा सकती है वह है कि स्त्री की स्थिति को लेकर हम अभी भी आश्वस्त नहीं हुए हैं। उनके पारिवारिक, सामाजिक और कानूनी अधिकारों के मुद्दे दूसरों की सदा सहायता के मोहताज लगते हैं। एक पाती पिता के नाम कहानी में ये प्रश्न सिद्धत से उभर के आता है कि जहां समाज ने पुरुषों को पिता की संपत्ति पर एक स्वाभाविक अधिकार दिया है, वही स्त्री को इससे क्यों वंचित किया जाता है। एक मंजिल राही दो में लेखिका ने मेधावी लेकिन आरक्षित वर्ग की श्रेणी की लड़की इंदिरा के माध्यम से समाज की संकुचित सोच
और देश के सर्वोच्च पदों में आसीन महिलाओं की स्थिति और उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार को पाठकों के सामने रख विस्मित कर दिया। संग्रह की सभी कहानियां एक गहरी सकारात्मक सोच व दृष्टि रखती है। कहानियों के विषय इस संग्रह का मुख्य आकर्षण है। बुझती आंखों का अधूरा सपना में मृत्यु सैया पैसा हाय पिता के सपने को पूरा न कर पाने की बेटे की तड़प और कश्मकश ने जहां एक ओर अंतर मन को द्रवित कर दिया तो दूसरी ओर मुखरित मौन और क्या कूल है हमें जीवन के नए आयामों को छू रही आज की युवा पीढ़ी के सोच पर एक नई दृष्टि डाली है। लेखिका ने मौन से मुखरित होने के ट्रांजिशन पीरियड को बहुत ही स्वाभाविक और प्रभावशाली रूप में पाठकों के सामने रख बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। सहज सरल प्रवाहपूर्ण भाषा शैली में लिखी कहानियां दिल को गहराई से छूते हुए मस्तिष्क में गहरी छाप छोड़ जाता है। वाक्य रचना बहुत सी मानवीय अनुभूतियों को अपने में समाहित किए हुए है। मेरी काबिलियत मेरी खूबी नहीं बन पा रही है लेकिन मेरी जाति मेरी कमजोरी बन रही है। एक मंजिल राही दो में नायिका इंदिरा का कहा यह वाक्य दिल को चीरते हुए चला जाता है। आज फिर दिल दिमाग से विद्रोह कर बैठा। सहारे की तलाश कहानी में लिखा यह वाक्य लेखिका के विद्रोही लेखनी को परिभाषित कर गया। ऐसे ना जाने कितने वाक्य हैं, उन सबका जिक्र करना संभव नहीं है। अंत में मैं यही कहूंगी कि लेखिका सुधा जुगरान की कहानियां संवेदनाओं के स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ती है। इंदिरा राशि अवनी नंदिनी आदि नायिकाएं भिन्न भिन्न परिवेश का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद अपने आप में संपूर्ण हैं। इन सभी में यथार्थ और संवेदनाओं का टकराव देखने को मिलता है। इस कहानी संग्रह में समस्या है तो उनके निदान भी है, प्रश्न है तो उनके उत्तर भी है, मौन से मुखरित होने की एक दृष्टि भी है। बहुत बहुत बधाई सखी इस कहानी संग्रह के लिए। धन्यवाद। आदरणीय सुधा थापालियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से। और मुझे सबसे अच्छी बात सुधा जी, अब मैं सुधा जुगरानी से उठाती हूँ, जैसा कि भी कमेंट्स में भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की मित्रता मुझे बड़ी मीठी सी सोनी सी लगती है। बहुत बचपन से है, हम लोग 11 साल के रहे होंगे, 11-12 साल तक से इसी आवाज में, आपकी आवाज में ये मासूमियत थी। जब आपने मुझे बताया था कि मेरी बचपन की सहेली है वो, तो उनका एक वीडियो मैं चाहती हूँ, तो मैंने कहा था कि हाँ बिल्कुल। और सच में जो सुधा थपलियाल जी का संदेश था वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे जो बचपन के मित्र होते हैं, शुभचिंतक होते हैं और साथ साथ खेले होते हैं, वो अपने मित्र को आगे बढ़ते हुए देख के जो खुशी महसूस करते हैं वो खुशी उनकी आवाज में उनके चेहरे पे थी। और कुछ ऐसे ही यहाँ पर कमेंट्स दिख रहे हैं, मैं एक दो पढ़ रही हूँ। और साथ ही साथ मैं आदरणीय संजीव जायसवाल जी को अब आवाज दे रही हूँ। मैं पहले से इसलिए आवाज दे रही हूँ क्योंकि वो कुछ अस्वस्थ हैं, उनको पीठ में कुछ तकलीफ है जिसकी वजह हमेशा हमारे साथ रहने वाले पर्दे के पीछे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर भी वो अपने इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो संजीव जी आप तैयार हैं ना? मैं संदेश तब तक पढ़ती सुधा कसेरा जी है। सुधा जी मैं तो आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, स्वागत है। गुरु मंडल जी ने स्वागत किया है, पाठक जी ने नमस्कार भेजा है, पूनम अहमद जी का भी नमस्कार है, नीलम सौरभ जी है साथ में, ईशा डोगरा जी है, पूनम पाठक जी है, दोनों सुधा जी का भी नाम और सुधा आदेश जी हमारे सुधा आदेश जी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। और अब संजीव जैसा और सभी के माइक में अब ऑफ कर देंगे।
हेलो। आफू सबे लोगन के फुलदेली त्योरेक बहुत बहुत बंधे छ, सबे लोगन का भकार भरी रौन छो छिनाली होने रो। दोस्तों, सुधा जुगरान जी, अर्चना जी और मुकेश भाई समझ गए होंगे, बाकी लोग शायद न समझ पाए हैं तो मैं क्या कह रहा हूं। दरअसल आज देवभूमि उत्तराखंड का पवित्र फूलदे त्योहार है। इसमें गांव की लड़कियां अपनी टोकरियों में फूल भर के लाती हैं और घरों को मंदिरों को सजाती हैं और फिर बड़े लोग उनको मिठाई और पैसे देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सुधा जुगरान जी ने इस शुभ अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया, लेकिन ये बात छिपा गई कि कहीं उन्हें मिठाई न देनी पड़े। तो मैं उनकी तरफ से आप सभी को फूलदे त्योहार की शुभकामनाएं देता हूं और दोहराता हूं, फूलदे छम्मा दे दैने द्वार भर भकार यो दौले सो बारंबार नमस्कार। क्या बात है। मैं आदरणीय सुधा जुगरान जी का आभारी हूं कि उन्होंने इतने समृद्ध मंच पर मुझे आने का अवसर दिया। दरअसल बीमार हूं, इसके कारण बिस्तर पर लेटा हुआ हूं और कैमरे के सामने नहीं आ रहा हूं। अदरवाइज मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुंह छुपाना पड़े। और इस मंच पे इतने प्रख्यात साहित्यकार मौजूद हैं कि मुझे कुछ बोलने में संकोच हो रहा है। अर्चना पलिनी ही जिन्होंने विदेशों में रहकर अपनी भारत भूमि का नाम रोशन किया है, साहित्य जगत की एक जगमगाती हुई स्टार हैं। हाल ही में उनका कराली मसाज पार्लर उपन्यास बहुत ही चर्चित हुआ है। उसके अलावा वेयर डू आई बिलोंग तो खैर बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। नीलमा टिक्कू जी को नमस्कार। नीलमा जी, अगर आपको याद हो तो शायद हम लोग लगभग 17 साल पहले 4 जून 2004 को हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से आज पहली बार आपको मैं देख रहा हूं, वर्चुअली ही सही, और इस बीच आपने बहुत तरक्की की है। लिखते तो सभी लोग हैं, लेकिन लेखन के साथ साथ आपने साहित्य और साहित्यकारों के संवर्धन के लिए या उनकी उन्नति के लिए साहित्य समर्था के माध्यम से जो कार्य किया है उसके जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। नमन है आपको। और उत्तराखंड के गौरव भाई मुकेश नौटियाल जी का क्या कहना, हिमालय की कहानियां, धम्म चक्र के उस पार, दुल्ली चुड़ियारन, सफेद ऊन का गोला जैसी अनेकों कृतियां उन्होंने साहित्य जगत को दी हैं। मेरी उनसे 2-3 बार की मुलाकात है, लेकिन मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूं। और पल्लवी जी, आपका तो कहना ही क्या, इस आयु में आपने जितनी उपलब्धियां हासिल की हैं वह दुर्लभ है। हम लोगों की आयु तक आते आते तो आप किसी सितारे की तरह साहित्य जगत में जगमगा रही होंगी। और शायद पल्लवी मेरे हिसाब से पहली रचनाकार हैं जिन्होंने अपने ही नाम का उपन्यास लिखा है, पल्लवी। हम लोगों को शायद नहीं मालूम था, बहुतों को नहीं मालूम था कि महाभारत के पात्र हिडम्बा का नाम पल्लवी था। उसी को केंद्र बिंदु बना के उन्होंने ये उपन्यास लिखा है जो अद्भुत है, सभी को पढ़ना चाहिए। और पल्लवी जी जितनी अच्छी कहानीकार है उससे अच्छी वक्ता है, ये आज मालूम हुआ। उन्होंने, अर्चना जी ने, सुधा जी ने मुखरित मौल पुस्तक की इतनी अच्छी समीक्षा एक एक कहानी की कर दी है कि अब कुछ कहने को शेष बचा नहीं है। फिर भी थोड़ी सी कोशिश तो करूंगा ही। अगर सुधा जुगरान जी की बात की जाए तो यह तय करना मुश्किल है कि वे एक अच्छी इंसान ज्यादा हैं या अच्छी कहानीकार। अगर तुलना करता हूं तो लगता है कि शायद वे अच्छे इंसान हैं, इसीलिए अच्छी कहानीकार भी हैं। और अपने इस छोटी सी उम्र में
हजारों किताबें पढ़ी होंगी और ज्यादातर लोग किताब किसी न किसी को समर्पित करते हैं। सुधा जुगरान जी मेरी निगाह में पहली ऐसी रचनाकार निकली है जिन्होंने अपने इस पुस्तक को अपनी सासू माँ को समर्पित किया है। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। सामान्यतः सास बहू का आंकड़ा 36 का होता है, लेकिन उन्होंने इसे 63 का बना दिया है और यह दुर्लभ होता है और इसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं और मुझे विश्वास है कि दूसरी बहुएं भी इनसे प्रेरणा लेंगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सबकी सास सुधा जुगरान जी की सास जैसी बने। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा सुधा जी की एक और विशेषता है जिसका जिक्र करना जरूरी है कि वे एक ऐसी सशक्त रचनाकार है जो कई पीढ़ियों के पाठकों को प्रभावित करती है। इसके साथ साथ वे ऐसी रचनाकार हैं जिनकी लोकप्रियता कमर्शियल मैगजीन के साथ साथ साहित्यिक पत्रिकाओं में भी है। मैं तो उनका प्रशंसक हुई ही और हम दोनों ने लगभग एक साथ ही लिखना शुरू किया था, लेकिन मेरे बेटे भी उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं उनकी कहानियों के। लॉकडाउन के दौरान मेरे बेटे विपुल ने कुछ कहानियां शिकागो रेडियो में सुनाई थी, उसमें सुधा जी की कहानी रिटर्न गिफ्ट भी थी जो बहुत ही लोकप्रिय हुई थी। तो दो पीढ़ी के लोग अगर किसी रचनाकार के प्रशंसक हो तो इससे साबित होता है कि रचनाकार का कद कितना बड़ा है। अब अगर बात की जाए मुखरित मौन की तो उसका एक चित्र तो आप लोगों के सामने आ ही गया है। अगर देखा जाए इसकी कहानियों को तो जैसा कि पल्लवी जी ने बताया कि इसमें 12 कहानियां हैं, शायद यह संयोग हो या कुछ और, 12 कहानियां मतलब हर महीने की एक कहानी कह सकते हैं, अर्थात हर ऋतु की सुगंध इस संग्रह में मौजूद है। और सुधा जी कहानियां गढ़ती नहीं है बल्कि हमारे आसपास से उठाती हैं, इसीलिए उनकी कहानियों को पढ़ते समय कहीं पर भी कृत्रिमता का आभास नहीं होता है। ऐसा लगता है भैया यह सब जी जी ऐसा लगता है कि ये सब हमारे आसपास के चरित्र हैं जिन्हें हम रोज देखते थे लेकिन शायद इतने गौर से नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया। और जब उन कहानियों को पढ़ते हैं तो हम पानी दे दीजिए। हाँ पानी सबको चाहिए। पल्लवी म्यूट कर लो अपना। नहीं नहीं पानी पीना चाहिए बीच बीच में। तो हम सब उन कहानियों के कथानक और उनके पात्रों से जुड़ जाते हैं, उनके साथ साथ यात्रा करने लगते हैं, इससे कहानियों का आनंद कुछ और बढ़ जाता है। अगर पहली कहानी मेरे अपने जिसका जिक्र हो चुका है की बात की जाए तो शायद प्रकाशक के मंच पे सुधा जी ने कहानी सुनाई थी या मैंने हाल ही में कहीं और पढ़ी थी। हाँ नहीं प्रकाशक के मंच पे सुनाई जी। बहुत ही यथार्थवादी कहानी है। आज आजीविका के तलाश में ज्यादातर बच्चे दूसरे शहरों में चले जाते हैं, कई बार उनकी मजबूरियां होती हैं, कई बार उनका स्वार्थ भी होता है, कई बातें होती हैं और उनके पेरेंट्स नेटिव प्लेस पे अकेले रह जाते हैं। तो इस कहानी में इस बेबसी का इतना सशक्त चित्रण किया गया है कि आंखें नम हो जाती हैं। माँ का अपना संसार है, बेटे की अपनी मजबूरियां हैं और बिल्कुल एक चित्र सामने उभर के आ जाता है। और इस कहानी को सभी को पढ़ना चाहिए। संग्रह की दूसरी कहानी एक मंजिल राही दो जिसका जिक्र सभी वक्ताओं ने किया, मुझे लगता है सुधा जुगरान जी की मैंने जितनी कहानियां पढ़ी हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है। और खास बात यह है कि शुरुआती पैरे में ही जिक्र आ जाता है
आईएएस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंदिरा त्यागपत्र देने जा रही है। तो कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट त्यागपत्र देने जा रहा है, एक बहुत बड़ी घटना होती है, और पाठक एकदम से सतर्क हो जाता है इस कहानी को पढ़ने के लिए। और इस कहानी में इन्होंने एक तरीके से गागर में सागर भरा है, इतनी समस्याओं को एक साथ उठाया है, जात पात, ऊंच नीच, रंग भेद। प्रतिभाशाली इंदिरा जो गोल्ड मेडलिस्ट है, हर परीक्षा में टॉप करती है, गरीब है, एक डॉक्टर की फैमिली सहारा देती है, उनका आउट हाउस में वो लोग रहते हैं, और उनके पुत्र और इंदिरा आपस में एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं। जब वो लड़की आईएएस बन जाती है तब वो लड़का विवाह करना चाहता है, लेकिन रूढ़वादी मान्यताओं के चलते उसके माँ बाप राजी नहीं होते हैं। ये समाज की विचित्र स्थिति है कि देश के सबसे सशक्त सेवा में सेलेक्ट होने के बाद भी समाज उस लड़की को उसकी प्रतिभा की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि उसकी जात से पहचान उसकी होती है। यह बहुत बड़ी विभीषिका है, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम लोग इससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। और ये कहानी इस समस्या को बहुत सशक्त ढंग से तो उठाती ही है। कई बातें पूर्व वक्ताओं ने इस कहानी के बारे में कही है, इसमें एक बहुत अच्छे प्रतीक का भी प्रयोग किया है इन्होंने कि नायिका को जब भी समस्या होती है वो खिड़की के पास कॉफी या चाय में भूल रहा हूं किसी एक चीज का प्याला लेके खड़ी हो जाती है, और नायक उसी कॉफी नायक उसी समय मदद के लिए आ जाता है। ये जो इन्होंने बिंब रचा है उससे बहुत रोमांच होता है, बहुत ही अच्छी कहानी है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और एक कहानी, एक पाती पिता के नाम, मैं तो इसे कहानी मानता ही नहीं, यह कहानी कतई नहीं है, यह एक आईना है जिसमें समाज के हर व्यक्ति को अपना चित्र देखना चाहिए। कानूनी तौर पर आज पुत्रियों को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिल गया है, कई जगह पुत्रियां इस अधिकार का उपयोग कर रही हैं और कई जगह छोड़ देती हैं प्रेमवश, वो एक अलग बात है। इस कहानी में पिता जो है अपने पुत्रों से दुखी है, उसकी विवाहित पुत्री उसकी पूरी सेवा करती है, देखभाल करती है, लेकिन जब संपत्ति के बंटवारे की बात आती है तो पिता बताते हैं कि मैं दोनों पुत्रों में बराबर बराबर जायदाद डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। यह बात पुत्री को आहत करती है, उसको जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि इसके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, उसके वजूद को स्वीकार नहीं किया जाता है, इसलिए उसे दुख होता है और वो पिता को एक पत्र लिखती है और एक तरीके से बेनकाब कर देती है। और वो कहती है कि आपने शिक्षा दिलाने में, अपना प्यार लुटाने में कभी मेरा हिस्सा भाइयों से कम नहीं किया, फिर संपत्ति में, संपत्ति देते समय मुझे कैसे भूल गए। बहुत बड़ी बात है। और ये कहानी जितने भी गार्जियन पढ़ेंगे मेरे ख्याल से वे इस बात को समझेंगे कि पुत्री का हक क्या होता है। शीर्षक कहानी मुखरित मौन, इसके भी कई बिंब है। एक तो है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के जीवन शैली में कितना अंतर है और उसमें कैसे सामंजस्य बैठाया जाए। इसमें नायक नायिका के अलावा दो सासें यानी समधन, दूल्हे की माँ और दुल्हन की माँ दोनों हैं। इन दोनों के चरित्र के माध्यम से एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान सामने रखा है सुधा जी ने। आज विवाह के पश्चात बहुत जल्दी शादी के पवित्र रिश्ते में बिखराव आ रहा है, उसके कई कारण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है कि कई बार पुत्रियों की मां अपना प्यार, अपना स्नेह दिखाने के चक्कर में कई बार इतना ज्यादा इंटरफेरेंस करने लगती हैं कि परिवार टूटने लगते हैं।
इस कहानी में भी ऐसा होता है, और पुत्री की माँ माँ जो है अपने प्यार अपने बेटी के लिए चिंतित है, लेकिन दूल्हे की माँ जिस तरीके से उसको समझाती है कहानी के अंत में, वो मैं बताऊंगा नहीं, अदरवाइज कहानी का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोग इस कहानी को जरूर पढ़िए और इससे एक शिक्षा अवश्य मिलेगी। कहानी पिघलते पल पढ़ते समय कई बार आंखें नम हो जाती हैं। अपना करियर बनाने के चक्कर में आज जो युवा पीढ़ी है, कई बार वो लोग एक नहीं रह पाते, अलग हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इससे उनके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस कहानी में यही होता है, और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वो बच्चा कितना अपने को अकेला महसूस करता है जब पिता उसके साथ नहीं होते हैं, केवल माँ होती हैं, या जब माँ होती हैं तो पिता नहीं होते, एक ही होता है। तो बाल मनोविज्ञान उसके द्वंद का और उस पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का बहुत ही सशक्त चित्रण किया गया है। यह कहानी भी समाज को एक संदेश देती है। कई कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी फ्योली के फूल का मैं जिक्र अवश्य करना चाहूंगा। इसमें एक बिल्कुल ही नया प्रयोग किया है सुधा जी ने, अनैतिक संबंध। इसको कभी भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इस कहानी में सुधा जी ने बुराई में भी अच्छाई ढूंढी है। जैसा कि अभी अर्चना जी ने बताया था, सुधा जी ने बताया था कि पहाड़ों की एक बहुत बड़ी समस्या है, विभीषिका है, कि आजीविका की तलाश में कई बार पुरुष दूसरे शहरों में चले जाते हैं और दो दो तीन तीन साल वापस नहीं आते। इस बीच स्त्रियों पे क्या बीतती है, यह भुक्तभोगी ही समझ सकता है। तो इस कहानी में भी एक स्त्री पात्र है, तृप्ति, उसका संबंध किसी दूसरे युवक से हो जाता है, और नायिका जया जब देखती है तो शुरुआत में उसको लगता है कि ये गलत है, लेकिन जब तृप्ति कहती है, वो पूछती है कि क्या यह सही है कि विश्वासघात कर रही है तू अपने पति के साथ, वो तुम्हारे लिए पैसा कमाने के लिए दिन रात एक कर रहा है, और तू बोलते बोलते जया उत्तेजित हो गई तो कहती है तृप्ति, दीदी किसने कहा था नरेश को कि इतना कमा कि हम साथ न रह पाए, कितना रोका था मैंने, कैसे जिंदगी बताऊं, आप ही बताइए। नरेश फिर 2 महीने के लिए आएगा और सब्ज बाग दिखाकर 3 साल के लिए चला जाएगा, आप ही बताइए दीदी, ये बूटी न खाई होती तो स्वाद भी न पता होता, पर जब प्रेम की बूटी एक बार खा लो तो इसका स्वाद भी तो पता हो जाता है ना। अगर आदर्शों की बात कही जाए तो इसे सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन तृप्ति के जवाब ने नायिका जया को झकझोर दिया और वह अपने पति के पास वापस जाने का निर्णय ले लेती है। तो बुराई में भी अच्छाई ढूंढी लेखिका ने, ये सुधा जी की लेखनी का ही कमाल है, और इसके लिए मैं उनका नमन करता हूं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पिछला कहानी संग्रह गली आगे मुड़ती है तो उस मोड़ के बाद मुखरित मौन बहुत ही सशक्त ढंग से हम लोगों के सामने आया है, और ये कहानी संग्रह समाज को एक संदेश देता है, एक जागृति उत्पन्न करने की कोशिश करता है, और मुझे विश्वास है कि यह पाठकों को पसंद आएगा और सफलता के एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। और अगर इसके प्रकाशक समय साक्ष की प्रशंसा न की जाए तो यह उचित नहीं होगा। बहुत ही सुंदर कलेवर में बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने इस पुस्तक को छापा है, और इसकी कीमत भी बहुत ही वाजिब है, मात्र 175 रुपए, और शायद अमेजन वगैरह पे कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिलता हो। इतनी खूबसूरत पुस्तक जो क्वालिटी के दृष्टि से भी अच्छी हो
और साहित्यिक दृष्टि भी अच्छी हो कम मिलती हैं। इसके लिए मैं इस प्रकाशक समय साक्षी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और अंत में राजुल जी का क्या कहना, कोरोना काल में संकट के समय जब चारों ओर अंधकार छाया हुआ था तो वे हम साहित्यकारों के तारणहार के रूप में सामने आई हैं। सभी हम लोगों को उन्होंने एक ऐसा बढ़िया मंच उपलब्ध कराया है जिसके बारे में पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कई पुस्तकों का लगातार लोकार्पण हो रहा है, साहित्यकारों को कहानियां सुनाने का अवसर मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए राजुल जी का। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और जितने श्रोता आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं मैं अंत में उनका भी आभार प्रकट करता हूं और नमन करता हूं। और सुधा जुगरान जी को पुनः एक बार बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस अच्छे कार्यक्रम में जुड़ने और बोलने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी तरह से ऐसी वीर सी आ जाती है सामने आंखों की, तो बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तो उसकी स्पष्टता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और अब आदरणीय मुकेश नौटियाल जी से आग्रह है मेरा कि वो अपनी बात कहें। धन्यवाद राजू जी, मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही होगी, क्योंकि मेरा जो इक्विपमेंट था वो कुछ ख़राब हो गया तो ये बदलना पड़ा। नहीं पहुंच रही है। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। मेरे ख्याल से अब जबकि अर्चना जी ने और संजीव जी ने और पल्लवी जी ने सुधा जुगरान जी की कहानियों पर लंबी चौड़ी टिप्पणी अपनी दे दी है और मुझे लगता है कि अमूमन सभी कहानियों पर चर्चा हो ही गई है, और कई बार ये भी होता है कि कहानियों के बारे में जब समीक्षक या क्रिटिक बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं तो जो पाठक का कहानी को लेकर एक स्वाभाविक आकर्षण होता है वो मेरे ख्याल से कुछ कम होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब उस पक्ष पर बहुत ज़्यादा न जाकर, और समय की भी सीमा को देखते हुए मुझे अच्छा लगा कि अर्चना जी, अर्चना पैनल जी फिर हमारे साथ आ गई है। इस मंच का मैं ज़रूर उपयोग करना चाहता था कि कुछ बातें सुधा जुगरान जी की कहानियों के बहाने, और ख़ासकर मैं पल्लवी पुनीर जी, क्योंकि एकदम कहना चाहिए कि बड़ा उम्मीद जगाने वाली एक प्रतिभा हमारे बीच, मैंने पहली बार आज उनको सुना, पढ़ना तो बड़ा सुखद होता है, सुनना भी उतना ही अच्छा लगा। तो सुधा जुगरान जी की कहानियों के बहाने मैं कुछ चीज़ें अपने जो अनुभव थे और वो उन अनुभवों के अलावा जो हम समसामयिक जो हमारी कहानी है ख़ासकर हिंदी पट्टी में जो कहानियां प्रचलित हैं उन पर भी थोड़ा बातचीत करना चाहता हूं। इसी बहाने मैंने तो ये जो गली आगे मूर्ति है आपका सुधा जुगरान जी पुराना कहानी संग्रह था उसकी कहानियां भी सभी पढ़ी हैं, और अब मुखरित मौन की भी मैंने सारी कहानियां पढ़ ली। और आप आश्चर्य करेंगे कि जिस दिन मेरे पास कुरियर आया अगले दिन शाम तक उसको मैं तो पढ़ ही चुका था, मेरी बेटी भी लगभग लगभग पढ़ चुकी थी। तो ये किसी लेखक के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है कि वो पाठक को इस तरह से, बल्कि मुझे आश्चर्य हुआ कि उसका आजकल प्री बोर्ड हो रहा है बेटी का, तो मैंने कहा कि यार बेटा कल आपका एग्जाम है, तो उसने कहा एग्जाम तो हो ही जाएगा, अब ये शुरू कर लिया है तो पूरा करके ही मैं छोड़ूंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, जबकि वो तो इंटर में पढ़ने वाली बच्ची है अभी। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इन कहानियों में जो 12 कहानियां इसमें मुखरित मौन में आई हैं और इससे पहले गली आगे मूर्ति में मूर्ति है में भी जो कहानियां आई थी, सुधा जी इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ, वैसे अमूमन हम लेखक किसी दूसरे लेखक की सामने सामने तारीफ करते नहीं है, पर इस बात के लिए मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ कि आपकी कहानियों में इतना तो प्रवाह है कि अगर उनको एक बार पाठक पढ़ना शुरू कर देगा तो मुझे नहीं लगता कि वो समाप्त किए बगैर उनको बीच में छोड़ देगा। अगर संजीव जी
हमारे साथ बने होंगे तो वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, खासकर इसलिए कि हमारी हिंदी कहानी में 80 के दौर से अर्चना जी, इस बात को मैं विशेष आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि 80s के आसपास से हमारे यहाँ हिंदी कहानी में कुछ खास तरह के विमर्शों को लेकर एक नई तरह की चर्चा शुरू हुई, और उस चर्चा ने जो हिंदी कहानी का जो अपना नेचुरल फ्लेवर था, जो जिसमें आप मोहन राकेश को याद करते हैं, मनु भंडारी को करते हैं, कमलेश्वर को करते हैं, उस पूरी पीढ़ी को करते हैं, मैं इस मंच पर जो जो भी हमारे बैठे हैं टिप्पणीकार, उन सभी से भी मेरा यह सवाल है कि उनकी कहानियों में ऐसा क्या था जो पाठक पसंद नहीं करता था, और वो जो नए विमर्श, बहुत अच्छी बात है विमर्श होने चाहिए, उन विमर्शों ने अपना काम किया भी, उन्होंने एक नई अलग जगाई, एक नया आंदोलन शुरू हुआ और कुछ नई नई बातें आई, उनका हमारे व्यावहारिक और दैनंदिन जीवन में भी उनका असर देखा गया, ये ठीक बात है। लेकिन उस विमर्श के बहाने कहानी के शिल्प को जितना क्लिष्ट किया गया, जिस तरह से आपने कहानी को एक विशेष वर्ग के लिए कुछ खास कोटरी में वो कहानियां पढ़ी जाएं, वहीं उनकी समीक्षा हो, उससे हुआ ये कि हो सकता है कि शिल्प के स्तर पर आपने अद्भुत कुछ प्रयोग कर दिए हों, लेकिन वो हिंदी कहानी को पाठक से दूर ले गया, और धीरे 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 हम देखते हैं, सुधा जी आपका तो अनुभव है कि क्या वजह है कि दिल्ली प्रेस की कहानियां तो पढ़ी जाती रही, लेकिन जो हमारे अखबारों के जो साप्ताहिक परिशिष्ट थे, कहानी जिनमें एक कहानी अनिवार्य रूप से सप्ताह में आती थी, वो कहानियां गायब हो गई। क्यों गायब हुई? इसका मतलब उनका पाठक नहीं था। पाठक क्यों नहीं था? क्योंकि आपने कहानी के शिल्प को इतना क्लिष्ट बना दिया। ये ठीक है कि आपका जो कहन है, जो मंतव्य है, जो पर्पज है, उस पर हम कोई सवाल नहीं उठाते, लेकिन आपने उसको एक आम जनमानस से उस कहानी को दूर कर दिया, और इस बार मैं इसीलिए आपको बधाई भी देता हूँ, बतौर लेखक आपको अप्रिसिएट भी करता हूँ इस बात के लिए कि इस तरह की जो सीधे प्रवाह की कहानियां हैं वो एक बार फिर से पाठक को हिंदी कहानी की तरफ वापस लाएंगी, उसको कहानी से जोड़ेंगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और ये इन कहानियों में मुझे लगता है। जिन विमर्शों की मैं बात कर रहा था, जिन्होंने हिंदी कहानी की धारा को मोड़ने की चेष्टा की और वो मुड़ी, ये ठीक है कि उसमें कुछ अद्भुत कथाकार हमारे पास आए, वो अभी भी एक्टिव हैं, और उससे एक बड़ी अजीब सी राजनीति भी शुरू हुई, वो तो एक नई तरह का विषय हो जाएगा। कुछ चेहरों को जबरदस्ती स्थापित करने का जो उपक्रम होता है, और कुछ खास किताबों को जो, और मजे की बात यह है कि हमारे संस्थानों ने भी उन्हीं बातों को स्वीकार किया, और फिर कुछ लोग विश्वविद्यालयों के कुलपति भी बन गए कथाकार होते हुए, कुछ बहुत अच्छे कथाकार वो बेचारे नेपथ्य में चले गए, ये सब भी उस बीच में हुआ जो 80s में जो शुरू हुआ, और उसने, मैंने कहा नहीं कि इस सारे का जो दुष्परिणाम हुआ वो ये हुआ कि साहित्य समाज से, आम समाज से दूर हो गया, और उसने कहानी को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाया। कविता में तो फिर भी, इसलिए कि कविता पहले भी एक समझने वाली विधा थी, कविता तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप गणित पढ़ते हैं कि बिना, मैंने उसके लिए आपको अलग से कुछ प्रयत्न करने होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के लिए आपको फॉर्मूला समझना होता है, वैसे ही आपको कविता को समझने के लिए थोड़ा ठहरना पड़ता है, लेकिन कहानी में ये स्थिति नहीं थी, कहानी सीधे अपना संवाद करती थी, और आपकी कहानियों में ये उम्मीद बनती है। मैं आज सुबह भी एक कार्यक्रम में था, उस कार्यक्रम में भी किसी किताब पर चर्चा हो रही थी, वहां भी मैं इसी बात को कह रहा था कि ये हम सभी साहित्य के लोगों के लिए बड़ा सुखद है कि कुछ ऐसे लेखक अब आगे आ रहे हैं जो कहानी को उसके और जो एक्चुअल जिस तरह की कहानी होनी चाहिए, सीधे सपाट सरस अंदाज में उसको पाठकों के बीच ला रही हैं, तो इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं।
आपकी कहानियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे किताब न हो, हमारे सामने कोई टीवी स्क्रीन है और हम उस पर एक पूरा एक पिक्चर कहते हैं ना, जैसे आप एक सीरियल पूरा देख रहे हैं और जब आप कहानी समाप्त कर लेते हैं तो तब आपको पता चलता है कि ठीक है, एक समस्या थी उसका। अर्चना जी ने बहुत वाजिब सवाल उठाया है कि क्या व्यावहारिक जीवन में भी समाधान इतने आसान होते हैं? कतई नहीं, निश्चित रूप से नहीं होते हैं। व्यावहारिक जीवन में बहुत कुछ होता है, लेकिन बतौर लेखक ठीक है, आप हमारे हिंदी पट्टी में तो कथाकार, साहित्यकार, कवि अगर आशावादी हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ निराशा का बड़ा घटा टोप होता है। अमूमन हम संतरासों पर, अभावों पर रोते रहते हैं और हमारे यहाँ जो समाधान सुझाए जाते हैं वो भी कोई बहुत मैंने वो उम्मीद नहीं जगाते हैं। तो आप इस फ्रेम को तोड़ती हैं और आपकी कहानियां किसी समाधान तक पहुंचती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जिन विमर्शों की मैं बात कर रहा था, वो दलित विमर्श हो, स्त्री विमर्श हो, या आदिवासी विमर्श भी बीच में शुरू हुआ था, उन सारे विमर्शों की छाप आपकी कहानियों में भी स्पष्ट, जो अभी अर्चना जी भी अपनी बात कह रही, अपने अपने वक्तव्य में कह रही थी और पल्लवी जी ने भी उद्धृत किया और संजीव जी तो कह ही रहे थे कि आपकी हर कहानी में एक स्त्री अनिवार्य रूप से उपस्थित होती है, चाहे वो अगर वो कहीं कहीं अगर वो मुख्य, पहले तो अमूमन वो लगभग मेरे ख्याल से 80% कहानियों में तो वो मुख्य पात्र ही होती है, अगर वो सेकेंडरी भी होती है तो भी उसकी भूमिका के चलते वो प्राइमरी हो जाती है। ये लेकिन चीजें तब गड़बड़ हो जाती हैं जब किसी खास खांचे में ढलकर आप चीजों को जबरदस्ती एक उसमें एक शिल्प में बांधने की चेष्टा करते हैं, तो कहानी डिरेल हो जाती है और आपका जो कथन है वो इतनी सारी विचारधाराओं की उधेड़ बुन में खो जाता है कि पाठक को तो आप भूल ही जाते हैं। तो ये बड़ी बात है कि आपकी कहानियां इनसे, ये अपने आप में ये बड़ा बड़ा सुधा जी ये खतरा भी है, क्योंकि जो हमारे मेन स्ट्रीम की हिंदी कहानी है वो अभी भी ये मानती है कि कहानी वो है जब तक उस कहानी में कोई बहुत जबरदस्त नारा ना उछले, उसमें जब तक मुठियां न लहराएं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी लड़ाई कैसी है। बहुत सारी लड़ाइयां चुपचाप शब्दों के जरिए भी लड़ी जाती है, तो ठीक है, शब्दों की लड़ाइयां शालीन ही होनी चाहिए। आपकी कहानियां ये काम कर रही हैं। ये पक्ष था जो मैं आपकी कहानी पर कहने वाला था। और एक बड़ी चीज जो मैं आपकी कहानियों को पढ़ते हुए मेरे को महसूस हुआ वो ये कि आप संवादों के जरिए, डायलॉग के जरिए कहानी को कह देती हैं। ये बहुत कठिन काम होता है। कहानी को एक लेखक मोनोलॉग में कह देते हैं, अपनी तरफ से हम कहानी कह देते हैं, लेकिन जब उसको आप संवादों के जरिए आगे बढ़ाते हैं तो उसको किसी निष्कर्ष पर पहुंचाना, उसमें परिस्थितियों को सामने लाना बहुत मुश्किल काम होता है और आप ये काम कर पाई हैं। और सभी 12 कहानियां मैंने पढ़ ली हैं और हो सकता है कि कुछ आप 2 कथा संग्रह आने के बाद आपको इस तरह की सलाह जरूर मिलेगी कहीं ना कहीं से कि अब आप कहानियों में थोड़ा मैच्योरिटी शब्द शायद उपयोग में लाया जाए, कि आप उसमें थोड़ा इस तरह का कुछ करें। कुछ करें का मतलब यही होगा कि आप कहानियों के शिल्प को कुछ इस तरह का बांधें कि उसमें कोई खास फ्रेम में वो कहानियां फिट हों। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने इसी मौलिकता को, इसी फ्लो को बनाए रख सकें और अपनी कहानियों को इसी सहजता से कह सकें, तो मुझे लगता है कि आपकी कहानियां ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी और वो विषय हमारे सामने आ पाएंगे जो अमूमन दूसरी कहानियों के जरिए हमारे सामने नहीं आ पाते हैं। मेरे ख्याल से मेरे से पहले जितने वक्ताओं ने अपनी बात कही वो लगभग सारी बातें आ ही गई है। मुझे इतना ही कहना था और इसी के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। वापस राजोल जी के पास, आप सबका आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत सुंदर ढंग से बहुत अच्छी अच्छी बातें आज आपने कहानी विधा के बारे में कही और
शिल्प को लेकर, भाषा को लेकर आपके विचार इतने सुलझे हुए और इतने सार्थक, कई सारे कमेंट्स नजर आ रहे हैं। मैं कुछ पढ़ना चाहूंगी दो चार। मधु शर्मा जी का कहना है कि सच है, शिल्प और भाषा की क्लिष्टता पाठक वर्ग को कहानी से दूर कर देती है। सुधा आदेश जी ने कहा है, सच बात है मुकेश, सहज सरल भाषा में इसकी कहानी ही आम पाठकों के दिल में उतर गई। और सुधा थपलियाल जी ने कहा है कि साहित्य की सार्थक विवेचना आप कर रहे हैं, सुंदर बात कही आपने ये मुकेश पाठक जी कह रहे हैं। नीलम सौरभ जी कितनी अच्छी विवेचना सुधा थपलियाल जी, सुधा जुगरान की कहानियां एक दृष्टि देती है जीवन को लेकर, बिल्कुल सही बात है। सुधा कसेरा जी ने कहा बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर मुकेश जी। और सुधा कसेरा जी ने ये भी कहा है कि इस किताब को मैं जल्द ही मंगवा कर पढ़ूंगी। दीपक पाठक जी बहुत सुंदर विवेचना मुकेश जी। और महिमा श्रीवास्तव वर्मा जी भी है इस समय हमारे साथ इंदौर से, आपका स्वागत है महिमा जी। पवित्र अग्रवाल जी ने कहा सुंदर चर्चा, सुधा जी को बधाई। बहुत सार्थक चर्चा हो रही है आज सुधा जी की किताब के लोकार्पण के साथ, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होती जा रही है प्रकाशक के मंच पर, और बहुत सुखद लग रहा है आज की ये शाम गुजारना आप सब के साथ। हम तो से इसलिए भी आप सभी अपनी अपनी जगह पर बहुत मंजे हुए और बहुत जिसे कहते हैं सिद्धांत लोग हैं। तो अब इस कार्यक्रम में बहुत देर से प्रतीक्षा आदरणीय नीलिमा टिक्कू जी की, तो उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात और इस कार्यक्रम को एक सुंदर आकार देते थे हम फिर नीलिमा टिक्कू जी। नीलिमा जी का शायद हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, तो इस बीच में हम उन्हें संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और तब तक एक नजर हम एक बार फिर से सुधा जी के रचना संसार का अवलोकन कर लेते हैं। बात हुई है नीलिमा जी से, वो उनका कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ
उनका मिल नहीं रहा है, वो कह रही है बार बार हमसे निकल जाता है, नेटवर्क शायद उनका कुछ कमजोर है, तो वही देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं, हाँ नीलिमा जी जुड़ रही है, नीलिमा जी जुड़ गई थी। नमस्कार आप सबका, सबसे पहले मैं प्रकाशक मंच का धन्यवाद करती हूँ और सुधा जुगरान जी को बहुत बहुत बधाई कि इतनी खूबसूरत आपने कहानियों की किताब साहित्य जगत को दी। और आज यहाँ जितने भी साहित्यिक वरिष्ठ साहित्यकार उपस्थित हैं, सुधा जुगरान जी, पल्लवी जी, अर्चना पैनियुली जी, संजीव जी, मुकेश नौटियाल जी, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और मुझे क्योंकि कुछ नेट की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैं ज़्यादातर कुछ सुन नहीं पाई, आधा सुना आधा कुछ सुना कुछ नहीं सुना। और काफ़ी लोगों ने काफ़ी इस पे एक एक कहानी पर बहुत अच्छे से चर्चा हुई है। पल्लवी पुंडीर जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस संग्रह की समीक्षा की है कि जब उन्होंने कहा कि सभी पात्र इस कहानी के जो है परिस्थिति माँ की मतलब परिस्थितियों की लंका को जगाकर समाज को दीप्त कर रहे हैं, इसे लेके अंतिम कहानी तक की चर्चा की। पल्लवी पुंडीर जी ने बहुत खूबसूरत समीक्षा की इस कहानी की, अर्चना जी ने भी बहुत ही खूबसूरती से एक एक कहानी के बारे में बताया और मैंने देखा है कि अर्चना जी ने लिखा है इस पर बहुत विस्तार से बहुत खूबसूरती से। संजीव जी ने कि मैंने लास्ट आखिरी का थोड़ा सा सुना था संजीव जी का और बहुत ही विस्तार से जो दो तीन कहानियां जिन पे मैं चर्चा करना चाह रही थी चर्चा की। मुकेश नौटियाल जी ने भी बहुत ही अच्छी बातें उठाई कहानी के संबंध में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सुधा जुगरान जी जो हैं वो एक बेहद खूबसूरत व्यक्तित्व है। जब हम व्यक्तित्व खूबसूरत की बात करते हैं तो उसका मतलब केवल बाहरी आवरण से नहीं होता है, व्यक्तित्व उनके जीवन के सभी पक्षों के सभी आयामों का खूबसूरत आईना होता है। और सुधा जी ने जो लेखनी में अपनी खूबसूरती दिखाई है जीवन की, जीवन के जो खूबसूरत पक्ष उभारे हैं या सकारात्मकता से उनको समस्याओं को, समाज की समस्याओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वो बहुत ही सारगर्भित हैं और उनकी जो एक सोच है वो उनके लेखन में स्पष्ट दिखाई देती है। जो ये कहानियों का संग्रह है इसमें जीवन, परिवार से संबंधित, समाज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं सुधा जी ने, जो कि हमें बहुत आकर्षित करते हैं। और इसके साथ ही उनकी उन्होंने ये बताया कि जो समस्याएं हैं वो क्यों उत्पन्न होती हैं, बहुत ही सरल शब्दों में सुधा जी ने बताया। जैसे कि अभी वो विवाहेतर संबंध वाली बात हुई कि गाँव के पहाड़ी इलाके में जो बाहर जाते हैं और किस तरह से उनकी पत्नियां वहां रहती हैं, तो जो एक प्राकृतिक एक समाज मतलब एक बहुत ही सहज समस्या है ये, और उसका उन्होंने उसके बारे में वर्णन भी किया है। तो इस तरह से सुधा जी की जितनी भी मैंने कहानियां देखी, चाहे दो पीढ़ियों को लेकर उनकी कहानियां यूं दो पीढ़ियों को लेकर अनगिनत कहानियां लिखी गई हैं, मतलब पीढ़ी अंतराल का जो है वृद्ध और युवा पीढ़ी का, लेकिन सुधा जी ने जिस तरह से कहानी उठाई है वो अपने आप में एक अनूठापन है। उन्होंने जैसे एक पहली कहानी मेरे अपने जो है उसमें उन्होंने जिस तरह से बताया कि पुत्र जो है माँ के पास आता है, उसका दो रूम का फ्लैट है महानगर में और वो माँ के बड़े मकान में आता है क्योंकि माँ को चोट लगी है तो उसे चिंता होती है कि माँ अकेली कैसे रहेगी। और उसमें जो सुधा जी ने छोटे छोटे बिंब उठाए हैं कि जैसे अचानक लाइट चली जाती है और पुत्र के मन में ये ख्याल आता है कि मेरी माँ जब अकेली रहती होंगी और जैसे अब उनके लग गई है तो अचानक से लाइट चली जाए और जनरेटर भी नहीं हो तो माँ क्या करती होगी वहां पर, तो लेके और वो नौकरानी को कहता है कि जाओ मोमबत्ती लेकर आओ या कुछ लाओ, ऐसा कुछ है इस कहानी में। लेकिन माँ अंधेरे में भी मोमबत्ती और माचिस निकाल के अपनी पलंग के ड्रॉअर से पुत्र के हाथ में देखे तो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि उस छोटी सी ड्रॉअर में माँ ने अपने अकेलेपन को कैसे उन्होंने अपने उसको अपने मतलब अकेलेपन को कैसे उन्होंने एडजस्ट किया है, किस तरह से संभाल रखा उन्होंने उसमें छोटी छोटी दवाइयों से लेके। और उसमें जो युवा पीढ़ी का जो प्रतीक जो पुत्र है उसके मन में ख्याल आता है कि मैं वहाँ फ्लैट में रहता हूँ महानगर में रहता हूँ लेकिन अगर हमारे यहाँ जरा सी कोई किसी का दर्द हो जाए तो हम दवाई लेने के लिए आधी रात को बाहर भागते हैं, लेकिन ये एक
वृद्ध बड़ी पीढ़ी जो है, हमारे जो आदर्श है, हमारे जो धरोहर है, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये मतलब ये कहानियां केवल दो पीढ़ी की, इसमें कहीं भी सुधा जी ने अपनी कहानियों में ऐसा नहीं लिया है कि कोई झगड़े से या कोई द्वेष है आपस में दो पीढ़ियों में। दोनों पीढ़ियां आपस में एक दूसरे को समझते हैं कि युवा पीढ़ी की क्या समस्या है, दो फ्लैट में माँ को भी पता है कि मैं वहां जाके रह नहीं सकूंगी, बच्चों को समस्या आएगी, और बच्चे को कितना समझते हैं, आपसी प्यार कितना है। तो एक मैं समझती हूँ कि एक लेखक के व्यक्तित्व का भी जो है उस लेखन में झलकता है कि उसका जो व्यक्तित्व जिस तरह का होता है, सकारात्मक निर्मल, तो वो उसी तरह से उन समस्याओं को उठाता है। तो मैं सुधा जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने और भी एक इसी तरह से मुझे मौन जो आपकी कहानी है उसमें भी आपने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। जैसे आपने लिखा है ना उन्हें बांधो, युवा पीढ़ी के लिए ना उन्हें बांधो ना खुद बांधो। तो ये काफी छोटे छोटे सूत्र हैं जो हमारी जिंदगी को बहुत बना सकते हैं और बना सकते हैं, और हम किसी तरह की लड़ाई झगड़े के बिना भी हम एक दूसरे समझ सकते हैं। जो अंतराल है पीढ़ियों का उसे हम आपस में भर सकते हैं उसको। तो मैं सुधा जी का आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इन चीजों को बहुत खूबसूरती के साथ वर्णित। और जो मुझे अपील बहुत ज्यादा, जो कहानी मुझे बहुत भी कहानियां बहुत ही खूबसूरत है अपने अपने अलग अलग पक्ष उठाते हुए, लेकिन जो एक मंजिल राहत है उसमें मैंने लास्ट में संजीव जी का भी थोड़ा सा सुना था, और मुझे भी मैं यही लगा कि गागर में सागर भरा है उस कहानी में। आपने बहुत कुछ बताया है उसमें, और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई है, जो इतने सर्वोच्च पद है, हमारे प्रशासनिक पद है, लेकिन उनके हाथ पांव बन जाते हैं अगर पर जो होता है उनकी व्यवस्था को उसमें जहाँ कहीं चरित्र की दृढ़ता ना हो या उसमें भ्रष्टाचार हो, तो जो सीधा साधा इंसान चाहे सर्वोच्च पद पर भी हो, उसे बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है कि एक साल में उसकी 10-9 जगह उसका लड़की का ट्रांसफर हो गया। उसमें आरक्षण का भी मुद्दा उठाया है और बहुत ही खूबसूरती से उठाया है कि वो लड़की कहती है कि मुझे बैसाखी की जरूरत नहीं है। वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही बढ़िया कहानी बोली है सुधा जी आपने। मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ इस कहानी के लिए। उसी आंखों का अधूरा सपना, ये भी एक मुझे भी इस कहानी में कुछ अपनापन लगता है। मुझे लगता है कि पाठकों को सबको ही शायद इसमें लगता होगा कि ये कहानी है, हमें माता पिता ये चाहते थे हमसे, तो इस तरह की पाठकों से रिलेट करने वाली सारी कहानियां हैं। और एक पति पिता के नाम, जैसे अभी मुकेश नौटियाल जी ने कहा, इसने उन्होंने कहा शायद कि मैं इसे कहानी नहीं मानता, क्योंकि ये, या संजीव जी ने बोला कि ये कहानी जैसा कि सुधा जी ने भी लिखा है कि हजारों करोड़ों बेटियों का दर्द है, और ये हजारों करोड़ों पिताओं के नाम लिखी बेटी, और ये बहुत बड़ा किसी कहानी ले हो पर भी एक बहुत, और ये इतनी सशक्त है, माता पिता भी बेटों की बजाय बेटियों से ज्यादा खुलते हैं और बेटियां उनकी ज्यादा सेवा कर पाती हैं, माता पिता कहीं ना कहीं उन्हें अधिकार पूर्वक ही कह पाते हैं, तो क्यों नहीं बेटियों को हम अपनी जायदाद में हिस्सा देते हैं, और बेटियों को भी उन्हें लेना चाहिए। इसमें ये एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है सुधा जी आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये, और आपके लिखने का तरीका इतना सरल, इतना प्रभावशाली है कि इतना आत्मसात हो जाता है पाठक, लगता है कि हमारी कहानी चल रही है। मुझे तो लगा कि कई कहानियां तो इसमें ऐसे लगी मुझे कि हमारी कहानियां चल रही हैं, हम महिलाओं की कहानियां, बेटियों की कहानियां हैं ये, और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने जो पीढ़ियों के अंतराल को और कई समस्याएं जो उठाई हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे आपकी कहानियां पढ़ते समय पता नहीं क्यों मेरी प्रिय लेखिका है मालती जोशी जी, मुझे उनकी बहुत याद आई, उनकी कहानियों की बहुत याद आई, क्योंकि मालती जी भी बहुत ही सरलता से और बड़ी खूबसूरती के साथ बिना किसी कोई झंडा उठाए, कोई इस तरह का कि भाई हम महिला मोर्चा या इस तरह की कोई उपदेश दे रही है या कुछ, बिना ये सब उठाए बहुत रोचक ढंग से, बहुत सरल तरीके से आपकी कहानियां जो है हमें बांधे, पाठकों को बांधे रखने में बहुत सक्षम है। अपनी से लगने वाला जी मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि सबने बोला है और मेरे मन के लिए ज्यादा जगह नहीं है, तो मैं आप
बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने बहुत खूबसूरत कहानियां लिखी हैं, और आपके मित्र सुधा थपलियाल जी ने भी बहुत सुंदर बोला आपके लिए, और मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ, और बहुत बहुत बधाई सुधा जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. सुधा जी, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो आपसे ही निवेदन करूंगी कि आप इस कार्यक्रम का समापन करें. जी शुक्रिया राजुल जी, और मैं सभी मंच पर उपस्थित सभी विभूतियों को, इतनी सुंदर तरीके से आप सबने मेरे कहानी संग्रह को वर्णित किया, और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोता मेरे प्रियजन, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, दिल से आभार और तहे दिल से सबको मेरा प्रणाम. प्रकाशक की ओर से मैं यही कहूंगी कि आप सभी यहाँ आए, और सुधा जी आपकी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास शाम के लिए, इस खास मौके के लिए, और उम्मीद है कि हम फिर से कभी ऐसे ही जुड़ेंगे और ऐसे ही बैठेंगे. और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, नेट ने भी साथ निभाया. एक हद तक साथ निभाया. एक हद तक बहुत कम गड़बड़ हुआ, तब काफी ठीक रहा सर. और राजुल जी आपका बहुत विशेष रूप से आपका आभार है, क्योंकि और आप संचालिका तो इतनी मधुर है कि शब्दों में नहीं कहा जा सकता, बहुत ही मधुरता से आप संचालन करती हैं प्रकाश. बहुत खूबसूरत संचालन, बहुत ही खूबसूरत. बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज की आज मुझे आप सब जैसे प्रतिष्ठित रचनाकार से मुझे इस तरह की बात सुनने को मिल रही, बहुत बहुत धन्यवाद. और मेरा यही आग्रह रहेगा कि जैसे साहित्य का ये जो एक छोटी सी जो बैठक होती है, वो कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे पल जोड़ जाती है, खुद का अनुभव रहा है, जो भुलाए नहीं भूलते और पूरी जिंदगी की जैसे पूंजी बन जाती है. तो ये पूंजी मैं बहुत संभाल के संजो के रखती हूँ, और आज के इन पलों को भी मैंने इसी तरह से संभाल के संजो के रखी है. मैं आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद. आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त कर रही हूँ. नमस्कार.